इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से नए मैच लाइव के साथ। मेरा नाम है दोस्तों राज और आपको बता दें कि एनिमुलेटर यहां पर पहला एनिमुलेटर खेला जा रहा है दोस्तों यहां पर कैप टाउन इसने बाद में बस इस दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे हो यहाँ पर हरारे के हैंडी केस। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कैप टाउन यहाँ पर हरारे हैरी केस ने दोस्तों टॉस जीतकर यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और गेंदबाजी करते ही दोस्तों और क्या बेहतरीन तरीके कैप टाउन के दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजों ने भनुका राजपक्षा ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शुरुआत करती है इस मैच की। और इसी के साथ में हमें देखने को मिलेगा पहले पांच गेंदों में 5, 10 और 12 रन आ चुके हैं 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं यहाँ पर भनुका राजपक्षा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस टीम में देखेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को आसानी से जीतेगी वो देखा जाएगा। और इसी के साथ में पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 14 बार बिना किसी नुकसान पर वनुका राजपक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो वनुका राजपक्षा 5 बॉल में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 14 रन पर और देखा जाएगा नरंडे बंगर दोस्तों तैयार हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से आ चुके हैं हम आपके साथ लाइव। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास और आ जाइएगा हमारे साथ लाइव दोस्तों। एक बार फिर से एक और नए घोड़े को साथ में उड़ाएंगे जिस तरह से इससे पहले घोड़े को उड़ाया था। और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कराया दोस्तों वीडियो को तो लाइक करिएगा, चैनल को फॉलो नहीं कराया दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे के लिए लेकर जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर बन चुका है 14 पर बिना किसी नुकसान पर। देखेंगे कि मैच को आगे लेकर किस तरह से जाया जाता है। जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ अभी तो दोस्तों पर बेहतरीन तरीके से मैच चलता हुआ जिस तरह से अगर मैं बात करता हूं और मैं कोशिश यही करता रहूंगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहां पर भारतीय तेज गेंदबाज आ चुके हैं दोस्तों श्री संत। यहां पर श्री संत भारतीय तेज गेंदबाज दोस्तों आते हुए राउंड द विकेट से पहली बॉल लेकर रामनुल्ला गुरबाज तैयार हैं यहाँ पर श्री संत की पहली बॉल खेलने के लिए। इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर गुरबाज श्री संत की पहली बॉल को किस तरह से खेलेंगे। श्री संत यहाँ पर पहली बार गेंदबाजी करेंगे गुरबाज के सामने। इसी के साथ में पैरों पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, यहाँ पर गेंद गई थर्डमैन की दिशा पर, आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 15 पर बिना किसी नुकसान पर। वन कर और फर्स्ट 4, 5 पर एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं दोस्तों। मोहम्मद जो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आप आ जाते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर, तो आपके आने से रौनक आ जाती है दोस्तों। तो आप हम जैसे जैसे रन बनते जाएंगे यहाँ पर हरारे हैरिकेन्स और कैप्टाउन की स्नैप आर्मी है दोस्तों। यहाँ पर कैप्टाउन स्नैप आर्मी भाव देगी हरारे हैरिकेन्स को, तो आप हरारे हैरिकेन्स को दोस्तों थोड़े थोड़े भाव में खाते चलें। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हरारे हैरिकेन्स इस मैच को यहाँ पर जीतने वाली है। माफी चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मोहम्मद जय भाई
थोड़ा सा दोस्तों लेट के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं, मगर कोई बात नहीं दोस्तों। इसी के साथ में यहाँ पर बेहतरीन चौका हमें बनकर राजपक्ष ने यहाँ पर खेला है दोस्तों थर्ड में दिशा में, और इसी के साथ बता दें यहाँ पर कैपटाउन स्नैप आदमी का स्कोर हो जाएगा 19 पर बिना किसी नुकसान पर। वनकर राजपक्ष ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेलते हुए, और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि अभी यहाँ से 70 पैसे पे पड़ी है टीम। अभी दोस्तों थोड़ी देर और रुक जाएगा श्रीशांत दोस्तों, यहाँ पर एक चौका और मरवाएंगे अपने ओवर में। जैसे ही यहाँ पर कैपटाउन की जो स्नैप आर्मी है दोस्तों 50 पैसे पर आ जाए, और दोस्तों यहाँ पर पहली जो वहाँ पर फर्स्ट एंट्री है दोस्तों वह फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ले लीजिएगा, और यहाँ पर ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कम ही इन्वेस्ट करिएगा, जितने पिछले में से कम इन्वेस्ट करिएगा। और इसी के साथ में 3 गेंद हो चुके हैं, तो 3 गेंदों में 5 रन दे चुके हैं, और देखा जाएगा मोहम्मद जोएब गेंगे किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर यहाँ से हो चुका है 19 पर बिना किसी नुकसान पर। बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर हरारे हेरिकेन्स को इस मैच को जीतना है, और देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ पर काबिले तारीफ दोस्तों गेंदबाजी, और इसी के साथ में स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर को दोस्तों तेज गति के साथ यहाँ पर रन करना पड़ेगा अगर मैच को दोस्तों जीतना है, और देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे के लिए लेकर जाया जाएगा। इसी के साथ में स्कोर की बात करें इस ओवर में एक और बेहतरीन चौका, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 23 पर बिना किसी नुकसान पर। वनकर राजपक्ष 8 बॉल में भी दोस्तों 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो स्कोर यहां से हो जाएगा 23 पर बिना किसी नुकसान पर। श्रीशांत 4 बॉल में यहां पर दे चुके हैं दोस्तों यहां पर 9 रन, अभी भी 2 गेंदें शेष बची हैं 2 गेंदों में, और देखेंगे कितने रन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। अगर वनकर राजपक्ष की अगर बात करता हूँ तो वनकर राजपक्ष वैसे चौथे नंबर पर आते थे, मगर आज कैपटाउन की जो स्नैप आदमी की यहाँ पर अगर मैं कप्तानी की अगर मैं बात करता हूँ, टॉम करन यहाँ पर कप्तान है दोस्तों यहाँ पर कैपटाउन के स्नैप आर्मी के, तो टॉम करन ने दोस्तों अपने यहाँ पर जो कि ओपनिंग है उसको यहाँ पर बदलाव करा है। और इसी के साथ में अगर मैं स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर हो चुका है यहाँ से 23 पर। 5वीं बॉल इस ओवर की फिर से लेकर तैयार है वनकर राजपक्ष, सामना करेंगे अपनी 9वीं गेंद का, और देखेंगे कि श्रीशांत किस तरह से करेंगे। श्रीशांत तैयार है यहाँ पर 9-5 इस ओवर की 5वीं बॉल खेलने के लिए। क्या 5वीं गेंद दोस्तों उठा के गेंद को खेला है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद तो काफी ऊंची गई है और यहाँ पर दूर भी मतलब भरे की गई है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक और चौका इस ओवर में। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 27 पर बिना किसी नुकसान पर। 9 गेंदों में भानुका राजपक्ष पहुंच जाएंगे 24 पर। श्रीशांत यहाँ पर देखना होगा, श्रीशांत दोस्तों के यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित यहाँ पर देखे, यहाँ पर आप लिखा है दोस्तों भाई अब कौन जीतेगा। भाई यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हरारे हेरिकेन्स इस मैच को जीतेगी, और जैसे जैसे यहाँ पर है जो कि कैपटाउन स्नैप आर्मी दोस्तों फेवरेट आती जाए, वैसे वैसे यहाँ पर आप कहना कैपटाउन की टीम को यहाँ पर खाते जाइए, और यहाँ पर खाते जाएंगे तो हरारे हेरिकेन्स दोस्तों इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, वो देखना होगा। और इसी बीच दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्णब पांडे। अर्णब पांडे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पिछला मैच यहाँ पर खेल रहे थे, पिछला मैच यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम जीत गए थे, हाँ जीत गए थे हम लोग दोस्तों, हमारी जो टीम थी वो जीत गई थी। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर आखिरी बॉल पर एक और रन देखने को मिला है। पिछले पहले ओवर में श्रीशांत ने यहाँ पर 14 रन दिए थे, उसी के साथ में दूसरे ओवर में भी हमें 14 रन हमें देखने को मिले। इसी 14 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 28 पर बिना किसी नुकसान पर। अभी एंट्री मत लीजिएगा भाई लोगों, क्योंकि बता दें कि एंट्री आने का अभी सही समय नहीं हुआ है, और इसी के साथ में अभी 65 पैसे पे टीम है, आप लोग एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि बता दें कि अभी एंट्री और नीचे लेट लेना है। पहले अगर आप एंट्री ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर कैप्टन और फेवरेट आएगी, अगर कैप्टन और फेवरेट आई तो यहाँ पर हरारे के हेरिकेन से और नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर जो कि फर्स्ट एंट्री है थोड़ी सी रुक के लीजिएगा, जैसे एंट्री आए वैसे मैं आपको बता दूंगा एंट्री लेने का सही समय। और इसी के साथ में 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 28 पर बिना किसी नुकसान पर। वनुका राजपक्ष 10 बॉल में दोस्तों 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसी के साथ नैवर उल्ला गुरबाज की अगर मैं बात करता हूँ तो रहमान उल्ला गुरबाज 2 बॉलों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। श्रीशांत की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रीशांत पहले ओवर में 14 रन दे चुके हैं। अब देखें दोस्तों मैच को आगे के लिए किस तरह से लेके जाते हैं। अब 10 ओवर में 25 रन बन चुके हैं, मतलब यहाँ पर वनकर राजपक्ष अपनी पारी में 5 चौके लगा चुके हैं। अब देखेंगे कि 5 चौके किस तरह से करते हैं। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब टीम का स्कोर हो चुका है 28 पर बिना किसी नुकसान पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस मैच में,
और आपको बता दें कि दोस्तों एलिमिनेटर खेला जा रहा है दोस्तों, जो भी इस टीम से जो भी दोस्तों इसमें यहाँ पर दो कैप्टन स्नैप आर्मी बहुत से दोस्तों हरारे हेरिकेन्स का ये यहाँ पर मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोनों टीमों में से जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर डर्बन कैलेंडर्स के पास, डर्बन कैलेंडर्स यहाँ पर पिछला मुकाबला हार गई है दोस्तों, कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो डर्बन कैलेंडर्स से दोस्तों दूसरा क्वालिफायर खेलेगी। अगर क्वालिफायर दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी दोस्तों डर्बन कैलेंडर्स में से, यहाँ पर डर्बन कैलेंडर्स दोस्तों तैयार है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वालिफायर खेलने के लिए। अगर दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम दोस्तों जीता है वो जाएगी डर्बन कैलेंडर्स खेलने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश जो करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है दोस्तों, एलिमिनेटर अगर जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो वापस अपने घर चली जाएगी, चाहे दोस्तों वो कैपटाउन की आर्मी हो दोस्तों, चाहे वो हरारे हेरिकेन्स हो। तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये नॉकआउट मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है। और इसी तरह का जिस तरह से शुरुआत हुई, अगर मैं कहूँगा यहाँ पर कैपटाउन की स्नैप आर्मी की, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है। कोशिश ये करेंगे कि इस शुरुआत को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर बेहतर किया जा सके, और देखेंगे कि दोस्तों मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज़ यहाँ पर अभी भी दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए, मगर देखना होगा कि यहाँ पर अगर रहमानुल्लाह गुरबाज़ किस तरह से और कितनी देर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। और इसी समय अगर कोई भी आपका सवाल हो दोस्तों मैच से जुड़ा हुआ तो आप दोस्तों बता सकते हैं। और इसी समय जिस तरह से शुरुआत हुई है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी जो बल्लेबाजी रही है वो बहुत ही डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं, मगर गेंदबाजी की दोस्तों तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी रही है। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर अभी दोस्तों उतना खास अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था, मगर कोशिश ये करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैपटाउन स्नैप आर्मी की, तो कैपटाउन स्नैप आर्मी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स के पास बहुत ही अच्छी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो कि अगर यहाँ पर जो कि लाइनअप की अगर बात कर ली जाए यहाँ पर जो कि टीम 11 की दोस्तों यहाँ पर टीम है यहाँ पर उसकी अगर बात कर ली जाए, अगर यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स की, तो यहाँ पर ओपनिंग करते हुए आपको देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, उसी के बाद में यहाँ पर जो कि डेवन फेरारियो का आपको दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सुमित पटेल हैं, चौथे पायदान पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इरफान पठान, फिर पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हैरिस चाबरा भी दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। और ये तो रही दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कैपटाउन के स्नैप आर्मी के बल्लेबाजों की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर कैपटाउन की बल्लेबाजी में दोस्तों आपको रहमानुल्लाह गुरबाज़ देखने को मिलेंगे, वनका राजपक्षा देखने को मिलेंगे, कलीम जन्नत आपको देखने को मिलेंगे, पार्थिक पटेल दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे, मगर देखेंगे दोस्तों टॉम करन किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले। इस तरह से आपको अब देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं करा है फेसबुक पेज पर, तो फेसबुक पेज पर दोस्तों फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारे जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। अगर मैं दोस्तों आपको अपनी राय बताता हूँ तो इस मैच में दोस्तों हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ से जो अपनी टीम रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स रहेगी, हरारे हेरिकेन्स इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि हमने जो एक अपडेट आई है दोस्तों अपडेट के साथ ही रहेंगे, मगर आपको दोस्तों थोड़े थोड़े यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर कैपटाउंस को यहाँ पर खाते हुए चलना है, क्योंकि बता दें कि आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि कैपटाउन है जो कितना टारगेट देती है हरारे हेरिकेन्स को, मगर ऐसा हल्के में नहीं आ सकते हैं यहाँ पर कैपटाउन के स्नैप आर्मी को। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक तो जहाँ पर डिसेंट बल्लेबाजी रही है उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही है अगर हरारे हेरिकेन्स की, अगर मैं बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जितना जरूरी हो कि हरारे हेरिकेन्स के जो गेंदबाज हैं वो यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर जाल बुने और एक एक करके यहाँ पर बल्लेबाजों को जो सो अपने जाल में फंसाएं, और देखेंगे कि यहाँ पर जाल बुनता है या नहीं बुनता है, मगर देखा जाएगा। मगर जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर जमे हुए हैं, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइमिंग से दोस्तों भरोसा जताकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्कोर हो चुका है, आपको बता दें कि स्कोर आपके यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हुए अभी तक दोस्तों उतना अच्छा खासा स्कोर नहीं कह सकते हैं कि जितना चल रहा है,
मगर तब भी दोस्तों यहाँ पर तेज गति से रन बनाने की कोशिश करी जाएगी दोनों बल्लेबाजों की। मगर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर विकेट गिरे हैं वो विकेट मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा खो दिए हैं। अगर T10 मुकाबले की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो कि 20 ओवर में अगर मैं बात करूँ, 20 ओवर में पावर प्ले होता है दोस्तों 6 ओवर का यहाँ पर, और वह T10 की अगर मैं बात करता हूँ तो T10 में दोस्तों पावर प्ले होता है 3 ओवर का, वो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ में अभी तो पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैप्टन जो स्नेह पारमी है वो किस तरह से मैच को बनाती है। और उसी के साथ में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो चाहे वो राइट हैंड बल्लेबाज हो, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलते हुए। इसी के साथ में करंट रन रेट भी दोस्तों उतना अच्छा का नहीं चल रहा है जितनी अच्छी यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर पहले 2 ओवरों में। और इसी के साथ देखेंगे कि मैच को कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद जॉय भाई ने लिखा है यहाँ पर, भाई कौन सी टीम विन करेगी? भाई मैं आपको बता देता हूँ कि टीम यहाँ से विन करेगी हरारे हरिकेन्स। इस तरह से यहाँ पर हरारे हरिकेन्स इस मैच को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर विन करेगी, मगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैच को किस तरह से लेकर जाएगा। इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर 2 विकेट का नुकसान पर। और नरेंद्र ने दोस्तों अपने 2 ओवर कर चुके हैं, 2 ओवरों में नरेंद्र ने यहाँ पर 18 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, और बहुत बड़े दोस्तों 2 विकेट निकाले हैं वो भी एक ही ओवर में। जो कह सकते हैं यहाँ पर वो कि 2 ओवर में बिल्कुल काया पलट दी गई यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी की। इसी के साथ देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है, और देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी अगर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करती है तो हरारे हरिकेन्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि बता दें कि हरारे कैप्टाउन के पास यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बैटिंग है, बैटिंग तो है यहाँ पर क्या हरारे के पास, मगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कैप्टाउन के पास है। तो कैप्टाउन की अगर बॉलिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर कैप्टाउन के पास बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। चाहे यहाँ पर कैप्टाउन की बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर से आप गिनिए, बॉलर्स दोस्तों 5 गेंदबाज खेल रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों रिचर्ड नगारा, नंबर 2 यहाँ पर सैंड्रल कॉटर, नंबर 3 दोस्तों पीटर हैर्सगोल वो ऑस्ट्रेलिया के, और दोस्तों 4th गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे टॉम करन। उसी के साथ में दोस्तों आप बता दें कि 5वें गेंद बल्लेबाज यहाँ पर ऑलराउंडर हैं दोस्तों जोनाथन कैंपबेल, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो 5 गेंदबाज यहाँ पर खिलाए हैं, और आपको बता दें कि 5 गेंदबाज यहाँ पर कैप्टाउन के बहुत ही इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं दोस्तों। वो जानते हैं कि यहाँ पर T10 को T20 को किस तरह से यहाँ पर हैंडल करा जाता है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे 5 गेंदबाज, और बहुत ही अनुभवी है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैप्टाउन का जो पड़ला है वो दोस्तों भारी है यहाँ पर हरारे किंग्स के नज़रिए से। और इसी के साथ में अभी तक दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर डिसेंट तरीके से चलती हुई, मैं कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों बल्लेबाज की तेज गति के साथ रन बनाए जाएं। और जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर दोनों, जिस तरह से यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो कि हरारे हरिकेन्स को जो कप्तान है यॉन मॉर्गन, उन्होंने अभी तक यहाँ पर अपने जो गेंदबाजों का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा है, कोई भी दोस्तों गलती नहीं करी है, बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर कैप्टाउन के जो बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी पर उनका कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। और जो भी दोस्तों बता दें कि तीन गेंदबाजों का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, माफी चाहूंगा दोस्तों 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो 5ों गेंदबाज ने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करी है, बिल्कुल यहाँ पर विकेट टू विकेट दोस्तों गेंदबाजी करी है, यहाँ पर रूम ने दिया है। और आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक अपडेट आ चुकी है कि आज के मैच में दोस्तों यहाँ पर जो कि रॉबिन उथप्पा हमें जो कप्तानी करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर यॉन मॉर्गन दोस्तों कप्तानी नहीं करेंगे। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा किस तरह से करेंगे, रॉबिन उथप्पा अपने आईपीएल करियर का दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल करते दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन छक्का लगाया गया, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 42 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अलीम जन्नत यहाँ पर खेलते हुए उसी के साथ में उनका यहाँ पर साथ निभाया जा रहा है गुरबाज के द्वारा, और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लास्ट के 2 गेंदे करते हैं यहाँ पर समित पटेल, 4 बॉलों पर दोस्तों 9 रन दे चुके हैं समित पटेल। इसी के साथ में अभी तक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ, अगर कैप्टाउन की टीम अगर 187-115 तक अगर पहुँच जाती है तो हरारे किंग्स के जो बल्लेबाज हैं दोस्तों वो थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे दोस्तों यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाए जाए। और इसी के साथ में अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं करा दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ में एक बेहतरीन ओवर देखने को मिला है हमें बल्लेबाजी की टीम की तरफ से, एक बेहतरीन ओवर, इसी ओवर के साथ दोस्तों हम टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों
यहाँ से 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस 47 के स्कोर को दोस्तों तेज गति के साथ और लियापत बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ से लास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लास्ट के 36 गेंदें बची हैं के साथ साथ देखेंगे कि लास्ट की गेंदों पर किस तरह से फायदा उठाया जाता है। मगर मैं आपको अपनी टीम बता देता हूँ दोस्तों, मेरी टीम जो रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स के साथ ही मैं रहूँगा लास्ट गेंद तक। तो दोस्तों तो आप मेरी अगर टीम के साथ जाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरी टीम के साथ जाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी स्ट्रीम को लाइक करने के लिए। और इसी के साथ में 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर में जो रन बने हैं वो आपको रन बता दें दोस्तों। 4 ओवर में रन बने हैं 47 2 विकेट के नुकसान पर। गुरबाज 9 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 6 बॉलों में हमें 6 बॉलों में 9 रन बना के हुए। हम देखते हुए सिक्स रन में देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी करी जाती है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं हमें गुरबाज। यहाँ पर 7 निभाना होगा दोस्तों गुरबाज को। यहाँ पर देखेंगे कि गुरबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों आपको तेज गति से बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरह से अगर मैं आपको बता दूँ तेज गति के अगर बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों तभी यहाँ पर कैप्टाउन के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर जो कि रॉबिन उथप्पा इस मैच में यहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं, तो रॉबिन उथप्पा दोस्तों अपने एक्सपीरियंस का बिल्कुल यहाँ पर फायदा उठाएंगे। अगर दोस्तों रॉबिन उथप्पा अपनी टीम को दोस्तों अपने कप्तानी के साथ इस मैच को अगर जिता देते हैं तो दोस्तों डर्बन कलंदर्स के साथ दोस्तों उनका जो कि क्वालिफायर 2 खेला जाएगा। ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये मैच अगर देखा जाए। और इसी के साथ में दोस्तों स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों, स्कोर हो चुका है यहाँ से देखा जाए तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर स्कोर बहुत डिसेंट से तरीके से आगे बढ़ता हुआ। बस दोस्तों हरारे हेरिकेन्स का ये यहाँ पर मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोनों टीमों में से जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर डर्बन कलंदर्स के पास, डर्बन कलंदर्स यहाँ पर पिछला मुकाबला हार गई है दोस्तों, कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो डर्बन कलंदर्स से दोस्तों दूसरा क्वालिफायर खेलेगी। अगर क्वालिफायर दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी दोस्तों डर्बन कलंदर्स में से, यहाँ पर डर्बन कलंदर्स दोस्तों तैयार है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वालिफायर खेलने के लिए। अगर दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम दोस्तों जीता है वो जाएगी डर्बन कलंदर्स खेलने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के लिए क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है दोस्तों। एलिमिनेटर अगर जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो वापस अपने घर से ले जाएगी, चाहे दोस्तों वो कैप्टाउन की आर्मी हो दोस्तों, चाहे वो हरारे हेरिकेन्स हो। तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये नॉकआउट मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है। और इसी तरह का जिस तरह से शुरुआत हुई है अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी की, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है। कोशिश ये करेंगे कि इस शुरुआत को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर बेहतर किया जा सके। और देखेंगे कि दोस्तों मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ पर अभी भी दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए, मगर देखना होगा कि यहाँ पर अगर रहमानुल्लाह गुरबाज किस तरह से और कितनी देर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। और इसी समय अगर कोई भी आपका सवाल हो दोस्तों मैच से जुड़ा हुआ तो आप दोस्तों बता सकते हैं। और इसी समय से जिस तरह से शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी जो बल्लेबाजी रही है वो बहुत ही डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं। मगर गेंदबाजी की दोस्तों तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी रही है। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर अभी दोस्तों उतना खास अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। मगर कोशिश ये करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैप्टाउन स्नैप आर्मी की, तो कैप्टाउन स्नैप आर्मी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेगी क्योंकि यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स के पास बहुत ही अच्छी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो कि अगर वहाँ पर जो कि लाइनअप की अगर बात करी जाए यहाँ पर जो कि टीम 11 की दोस्तों यहाँ पर टीम है यहाँ पर उसकी अगर बात कर ली जाए अगर यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स की, तो यहाँ पर ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, उसी के बाद में यहाँ पर जो कि डेवन फरारियो आपको दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सुमित पटेल हैं, चौथे पायदान पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इरफान पठान,
फिर पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हैरिस चाबरा भी दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। और ये तो रही दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ रावल कैप्टाउन के स्नैप आदमी के बल्लेबाजों की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर कैप्टाउन की बल्लेबाजी में दोस्तों आपको रहमान उल्ला गुरबाज देखने को मिलेंगे, वनकार राजपक्षा देखने को मिलेंगे, कलीम जन्नत आपको देखने को मिलेंगे, पार्थिव पटेल दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे। मगर देखेंगे दोस्तों टॉम करन किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले। इस तरह से आपको अब देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं करा है फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज पे दोस्तों फॉलो करिएगा। और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारे जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। अगर मैं दोस्तों आपको अपनी राय बताता हूँ तो इस मैच में दोस्तों हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ से जो अपनी टीम रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स रहेगी। इस मैच को आसानी से जीत जाएगी क्योंकि हमने जो एक अपडेट आई है दोस्तों अपडेट के साथ ही रहेंगे। मगर आपको दोस्तों थोड़े थोड़े यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर कैप्टाउंस को यहाँ पर खाते हुए चलना है क्योंकि बताते कि आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि कैप्टाउन है वो कितना टारगेट देती है हरारे हेरिकेन्स को, मगर ऐसा हल्के में नहीं आ सकते हैं यहाँ पर कैप्टाउन के स्नैप आर्मी को। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक तो यहाँ पर डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जितना जरूरी हो कि हरारे हेरिकेन्स के जो गेंदबाज हैं वो यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर जाल बुने और एक एक करके यहाँ पर बल्लेबाजों को दोस्तों अपने जाल में फंसाएं। और देखेंगे कि यहाँ पर जाल बुनता है या नहीं बुनता है, मगर देखा जाएगा। मगर जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर जमे हुए हैं, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर टाइमिंग से साथ दोस्तों भरोसा जताकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्कोर हो चुका है। आपको बता दें कि स्कोर आपके यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हुए अभी तक दोस्तों उतना अच्छा खासा स्कोर नहीं कह सकते हैं कि जितना चल रहा है, मगर तब भी दोस्तों यहाँ पर तेज गति से रन बनाने की कोशिश करी था कि दोनों बल्लेबाजों की। मगर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर विकेट गए हैं वो विकेट मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा खो दिए हैं। अगर T10 मुकाबले की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो कि 20 ओवर में अगर मैं बात करूँ, 20 ओवर में पावर प्ले होता है दोस्तों 6 ओवर का यहाँ पर। और भाई T10 की अगर मैं बात करता हूँ तो T10 में दोस्तों पावर प्ले होता है 3 ओवर का, वो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ में अभी तो पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैप्टन जो स्नैप आर्मी है वो किस तरह से मैच को बुनाती है। और उसी के साथ में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, चाहे हम दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो चाहे वो राइट हैंड बल्लेबाज हो, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलते हुए। इसी के साथ में करंट रन रेट भी दोस्तों उतना अच्छा का नहीं चल रहा है जितनी अच्छी यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर पहले 2 ओवरों में। और इसी के साथ देखेंगे कि मैच को कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद जोएब भाई ने लिखा है यहाँ पर, भाई कौन सी टीम विन करेगी। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि टीम यहाँ से विन करेगी हरारे हेरिकेन्स। जिस तरह से यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स इस मैच को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर विन करेगी, मगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैच को किस तरह से लेकर जाएगा। इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर 2 विकेट का नुकसान पर। और नरेंद्र ने दोस्तों अपने 2 ओवर कर चुके हैं, 2 ओवरों में नरेंद्र ने यहाँ पर 18 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। और बहुत बड़े दोस्तों 2 विकेट निकाले हैं वो भी एक ही ओवर में, तो कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 ओवर में बिल्कुल काया पलट दी गई यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी की। इसी के साथ देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है और देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी अगर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करती है तो हरारे हेरिकेन्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है क्योंकि बता दें कि हरारे कैप्टाउन के पास यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बैटिंग तो है यहाँ पर हरारे के पास, मगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कैप्टाउन के पास है। तो कैप्टाउन की अगर बॉलिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर कैप्टाउन के पास बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। चाहे यहाँ पर कैप्टाउन की बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर से आप गिनी है, बॉलर से दोस्तों 5 गेंदबाज खेल रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों रिचर्ड नगारा, नंबर 2 अपर सैंडल कॉटरा, नंबर 3 दोस्तों पीटर हैसगोल वो ऑस्ट्रेलिया के, और दोस्तों 4th गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे टॉम करन। उसी के साथ में दोस्तों आप बता दें कि 5वें गेंद बल्लेबाज पर ऑलराउंडर हैं दोस्तों जोनाथन कैंपबेल न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो 5 गेंदबाज यहाँ पर खिलाए हैं और आपको बता दें कि 5 गेंदबाज यहाँ पर कैप्टाउन के बहुत ही इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं दोस्तों, वो जानते हैं
कि यहाँ पर T10 को T20 को किस तरह से यहाँ पर हैंडल करा जाता है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे पांचों गेंदबाज और बहुत ही अनुभवी है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैप्टाउन का जो पड़ला है वो दोस्तों भारी है यहाँ पर हरारे किंग्स के नजरिए से। और इसी के साथ में अभी तक दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर डिसेंट तरीके से चलती हुई मैं कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों बल्लेबाज की तेज गति के साथ रन बनाए जाएं। और जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो कि हरारे हरिकेन्स के जो कप्तान है योन मॉर्गन, उन्होंने अभी तक यहाँ पर अपने जो गेंदबाजों का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा है, कोई भी दोस्तों गलती नहीं करी है, बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर कैप्टाउन के जो बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी पर उनका कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। और जो भी दोस्तों बता दें कि तीन गेंदबाजों का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, माफी चाहूंगा दोस्तों 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो पांचों गेंदबाज ने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करी है, बिल्कुल यहाँ पर विकेट टू विकेट दोस्तों गेंदबाजी करी है, यहाँ पर रूम नहीं दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर एक अपडेट आ चुकी है कि आज के मैच में दोस्तों यहाँ पर जो कि रॉबिन उथप्पा हमें जो कप्तानी करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर योन मॉर्गन दोस्तों कप्तानी नहीं करेंगे। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा किस तरह से करेंगे, रॉबिन उथप्पा अपने आईपीएल करियर का दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल करते दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन छक्का लगाया गया है, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 42 पर 2 विकेट के नुकसान पर। कलीम जन्नत यहाँ पर खेलते हुए उसी के साथ में उनका यहाँ पर साथ निभाया जा रहा है गुरबाज के द्वारा, और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लास्ट के 2 गेंदें करते हैं यहाँ पर समित पटेल। 4 बॉलों में दोस्तों 9 रन दे चुके हैं समित पटेल। इसी के साथ में अभी तक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ, अगर कैप्टाउंस की टीम अगर 187 से 115 तक अगर पहुँच जाती है तो हरारे किंग्स के जो बल्लेबाज हैं दोस्तों वो थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे दोस्तों यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाए जाए। और इसी के साथ में अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं करा दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ में एक बेहतरीन ओवर देखने को मिला है हमें बल्लेबाजी की टीम की तरफ से, एक बेहतरीन ओवर, इसी ओवर के साथ दोस्तों हमारा वो टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस 47 के स्कोर को दोस्तों तेज गति के साथ और लगभग बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ से लास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लास्ट के 36 गेंदें बची हैं 36 गेंदों के साथ देखेंगे कि लास्ट की गेंदों पर किस तरह से फायदा उठाया जाता है। मगर मैं आपको अपनी टीम बता देता हूं दोस्तों, मेरी टीम जो रहेगी वो हरारे हरिकेन्स के साथ ही मैं रहूंगा लास्ट गेंद तक। तो दोस्तों तो आप मेरी अगर टीम के साथ जाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरी टीम के साथ जाइए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी इस टीम को लाइक करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस मैच में। और आपको बता दें कि दोस्तों एलिमिनेटर खेला जा रहा है दोस्तों, जो भी इस टीम से जो भी दोस्तों इस यहाँ पर दो कैप्टन स्नैपर में वैसे दोस्तों हरारे हरिकेन्स का ये यहाँ पर मैच हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीमों में से जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर डर्बन कैलेंडर्स के पास, डर्बन कैलेंडर्स यहाँ पर पिछला मुकाबला हार गई है दोस्तों, कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो डर्बन कैलेंडर्स से दोस्तों दूसरा क्वालिफायर खेलेगी। अगर क्वालिफायर दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी दोस्तों डर्बन कैलेंडर्स में से, यहाँ पर डर्बन कैलेंडर्स दोस्तों तैयार है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वालिफायर खेलने के लिए, अगर दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम दोस्तों जीता है वो जाएगी डर्बन कैलेंडर्स खेलने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है दोस्तों, एलिमिनेटर अगर जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो वापस अपने घर से ले जाएगी, चाहे दोस्तों वो कैप्टाउन की आर्मी हो दोस्तों चाहे वो हरारे हरिकेन्स हो। तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये नॉकआउट मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है। और इसी तरह का जिस तरह से शुरुआत हुई है अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी की, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है, कोशिश ये करेंगे कि शुरुआत को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर बेहतर किया जा सके। और देखेंगे कि दोस्तों मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा, यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ पर अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए, मगर देखना होगा कि यहाँ पर अगर रहमानुल्लाह गुरबाज किस तरह से और कितनी देर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। और इसी समय अगर कोई भी आपका सवाल हो दोस्तों मैच से जुड़ा हुआ तो आप दोस्तों बता सकते हैं। और इसी समय जिस तरह से शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी जो बल्लेबाजी रही है वो बहुत ही डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं, मगर गेंदबाजी की दोस्तों तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी रही है। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर अभी दोस्तों उतना खास अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था,
मगर कोशिश ये करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैप्टाउन स्नैपार में की, तो कैप्टाउन इसमें स्नैपार में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स के पास बहुत ही अच्छी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो कि अगर वहाँ पर जो कि लाइनअप की अगर बात करी जाए यहाँ पर जो कि टीम 11 की दोस्तों यहाँ पर टीम है यहाँ पर उसकी अगर बात कर ली जाए अगर यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स की, तो यहाँ पर ओपनिंग करते हुए आपको देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, उसी के बाद में यहाँ पर जो कि डेवन फेरारियो आपको दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सुमित पटेल हैं, चौथे पायदान पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इरफान पठान, फिर पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हैरिस चावड़ा भी दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। और ये तो रही दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ रावण कैप्टाउन के स्नैप आदमी के बल्लेबाजों की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर कैप्टाउन के बल्लेबाजी में दोस्तों आपको रहमानुल्लाह गुरबाज देखने को मिलेंगे, वनकुआ राजपक्षा देखने को मिलेंगे, कलीम जन्नत आपको देखने को मिलेंगे, पार्थिक पटेल दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे, मगर देखेंगे दोस्तों टॉम करन किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले। इस तरह से आपको अब देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं करा है फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज पे दोस्तों फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारे जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। अगर मैं दोस्तों आपको अपनी राय बताता हूँ तो इस मैच में दोस्तों हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ से जो अपनी टीम रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स रहेगी। हरारे हेरिकेन्स इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि हमने जो एक अपडेट आई है दोस्तों अपडेट के साथ ही रहेंगे, मगर आपको दोस्तों थोड़े थोड़े यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर कैप्टाउंस को यहाँ पर खाते हुए चलना है, क्योंकि बताते कि आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि कैप्टाउन है वो कितना टारगेट देती है हरारे हेरिकेन्स को, मगर ऐसा हल्के में नहीं आ सकते हैं यहाँ पर कैप्टाउन के स्नैप आर्मी को। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक तो यहाँ पर डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जितना जरूरी हो कि हरारे हेरिकेन्स के जो गेंदबाज हैं वो यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर जाल बुने और एक एक करके यहाँ पर बल्लेबाजों को दोस्तों अपने जाल में फंसाएं, और देखेंगे कि यहाँ पर जाल बुनता है या नहीं बुनता है, मगर देखा जाएगा। मगर जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर जमे हुए हैं, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइमिंग से साथ दोस्तों भरोसा जताकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्कोर हो चुका है, आपको बता दें कि स्कोर आपके यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हुए अभी तक दोस्तों उतना अच्छा खासा स्कोर नहीं कह सकते हैं कि जितना चल रहा है, मगर तब भी दोस्तों यहाँ पर तेज गति से रन बनाने की कोशिश करी था कि दोनों बल्लेबाजों की, मगर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर विकेट गए हैं वो विकेट मेरे हिसाब से दोस्तों ज़्यादा खो दिए हैं। अगर T10 मुकाबले की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो कि 20 ओवर में अगर मैं बात करूँ 20 ओवर में पावर प्ले होता है दोस्तों 6 ओवर का यहाँ पर, और भाई T10 की अगर मैं बात करता हूँ तो T10 में दोस्तों पावर प्ले होता है 3 ओवर का, वो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ में अभी तो पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैप्टन जो स्नैप आर्मी है वो किस तरह से मैच को बुनाती है, और उसी के साथ में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, चाहे हम दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो चाहे वो राइट हैंड बल्लेबाज हो, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलते हुए। इसी के साथ में करंट रन रेट भी दोस्तों उतना अच्छा का नहीं चल रहा है जितनी अच्छी यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर पहले 2 ओवरों में, और इसी के साथ देखेंगे कि मैच को कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद जोएब भाई ने लिखा है यहाँ पर, भाई कौन सी टीम विन करेगी? भाई मैं आपको बता देता हूँ कि टीम यहाँ से विन करेगी हरारे हेरिकेन्स, जिस तरह से यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स इस मैच को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर विन करेगी, मगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैच को किस तरह से लेकर जाएगा। इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर 2 विकेट का नुकसान पर, और नरेंद्र ने दोस्तों अपने 2 ओवर कर चुके हैं, 2 ओवरों में नरेंद्र ने यहाँ पर 18 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, और बहुत बड़े दोस्तों 2 विकेट निकाले हैं वो भी एक ही ओवर में, तो कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 ओवर में बिल्कुल काया पलट दी गई यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी की। इसी के साथ देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है, और देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी अगर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करती है तो हरारे हेरिकेन्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि बता दें कि हरारे कैप्टाउन के पास यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बैटिंग तो है यहाँ पर हरारे के पास, मगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कैप्टाउन के पास है। तो कैप्टाउन की अगर बॉलिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर कैप्टाउन के पास बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, चाहे यहाँ पर कैप्टाउन की बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर से आप गिनिए
बॉलर्स दोस्तों पांच गेंदबाज खेल रहे हैं। नंबर एक दोस्तों रिचर्ड ने कारा, नंबर दो अपर सैंडल क्वार्टर, नंबर तीन दोस्तों पीटर हैर्सगोल ऑस्ट्रेलिया के, और दोस्तों चौथे गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे टॉम करन। उसी के साथ में दोस्तों आप बता दें कि पांचवें गेंद बल्लेबाज पर ऑलराउंडर हैं दोस्तों जोनाथन कैंपबेल न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो पांच गेंदबाज यहाँ पर खिलाए हैं और आपको बता दें कि पांच गेंदबाज यहाँ पर कैपटाउन के बहुत ही इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं दोस्तों। वो जानते हैं कि यहाँ पर T10 को T20 को किस तरह से यहाँ पर हैंडल करा जाता है। अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे पांचों गेंदबाज और बहुत ही अनुभवी है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैपटाउन का जो पड़ला है वो दोस्तों भारी है यहाँ पर हरारे किंग्स के नजरिए से। और इसी के साथ में अभी तक दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर डिसेंट तरीके से चलती हुई मैं कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों बल्लेबाज की तेज गति के साथ रन बनाए जाएं। और जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो कि हरारे हेरिकेन्स के जो कप्तान है योन मॉर्गन, उन्होंने अभी तक यहाँ पर अपने जो गेंदबाजों का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कराए, कोई भी दोस्तों गलती नहीं करी है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर कैपटाउन के जो बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी पर उनका कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। और जो भी दोस्तों बता दें कि तीन गेंदबाजों का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, माफी चाहूंगा दोस्तों पांच गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो पांचों गेंदबाज ने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करी है, बिल्कुल यहाँ पर विकेट टू विकेट दोस्तों गेंदबाजी करी है, यहाँ पर रूम नहीं दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर एक अपडेट आ चुकी है कि आज के मैच में दोस्तों यहाँ पर जो कि रॉबिन उथप्पा हमें जो कप्तानी करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर योन मॉर्गन दोस्तों कप्तानी नहीं करेंगे। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा किस तरह से करेंगे। रॉबिन उथप्पा अपने आईपीएल करियर का दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल करते दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन छक्का लगाया गया है, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 42 पर 2 विकेट के नुकसान पर। कलीम जन्नत यहाँ पर खेलते हुए उसी के साथ में उनका यहाँ पर साथ निभाया जा रहा है गुरबाज के द्वारा। और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लास्ट के 2 गेंदें करते हैं यहाँ पर समित पटेल, 4 बॉलों में दोस्तों 9 रन दे चुके हैं समित पटेल। इसी के साथ में अभी तक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ, अगर कैपटाउन की टीम अगर 187 से 115 तक अगर पहुँच जाती है तो हरारे किंग्स के जो बल्लेबाज हैं दोस्तों वो थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे दोस्तों यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाए जाए। और इसी के साथ में अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं करा दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ में एक बेहतरीन ओवर देखने को मिला है हमें बल्लेबाजी की टीम की तरफ से, एक बेहतरीन ओवर, इसी ओवर के साथ दोस्तों हमारा वो टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस 47 के स्कोर को दोस्तों तेज गति के साथ और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ से लास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लास्ट के 36 गेंदें बची हैं 36 गेंदों के साथ देखेंगे कि लास्ट की गेंदों पर किस तरह से फायदा उठाया जाता है। मगर मैं आपको अपनी टीम बता देता हूं दोस्तों, मेरी टीम जो रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स के साथ ही मैं रहूंगा लास्ट गेंद तक। तो दोस्तों तो आप मेरी अगर टीम के साथ जाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरी टीम के साथ जाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी इस टीम को लाइक करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस मैच में। और आपको बता दें कि दोस्तों एलिमिनेटर खेला जा रहा है दोस्तों, जो भी इस टीम से जो भी दोस्तों इसमें यहाँ पर दो कैप्टन स्नैपर में वैसे दोस्तों हरारे हेरिकेन्स का ये यहाँ पर मैच हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोनों टीमों में से जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर डर्बन कैलेंडर्स के पास, डर्बन कैलेंडर से यहाँ पर पिछला मुकाबला हार गई है दोस्तों, कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो डर्बन कैलेंडर से दोस्तों दूसरा क्वालिफायर खेलेगी। अगर क्वालिफायर दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी दोस्तों डर्बन कैलेंडर्स में से, यहाँ पर डर्बन कैलेंडर्स दोस्तों तैयार है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वालिफायर खेलने के लिए। अगर दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम दोस्तों जीता है वो जाएगी डर्बन कैलेंडर्स खेलने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है दोस्तों। एलिमिनेटर अगर जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो वापस अपने घर चली जाएगी, चाहे दोस्तों वो कैपटाउन की आर्मी हो दोस्तों, चाहे वो हरारे हेरिकेन्स हो। तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये नॉकआउट मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है। और इसी तरह का जिस तरह से शुरुआत हुई अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर कैपटाउन की स्नैप आर्मी की, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है। कोशिश ये करेंगे कि इस शुरुआत को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर बेहतर किया जा सके। और देखेंगे कि दोस्तों मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ पर अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए, मगर देखना होगा कि यहाँ पर अगर रहमानुल्लाह गुरबाज किस तरह से और कितनी देर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं
और इसी समय अगर कोई भी आपका सवाल हो दोस्तों मैथ से जुड़ा हुआ तो आप दोस्तों बता सकते हैं। और इसी समय से जिस तरह से शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी जो बल्लेबाजी रही है वो बहुत ही डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं, मगर गेंदबाजी की दोस्तों तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी रही है। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर अभी दोस्तों उतना अच्छा खास अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था, मगर कोशिश ये करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैप्टन स्नैप आर्मी की, तो कैप्टन स्नैप आर्मी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेगी क्योंकि यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स के पास बहुत ही अच्छी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो कि अगर वहाँ पर जो कि लाइनअप की अगर बात करी जाए यहाँ पर जो कि टीम 11 की दोस्तों यहाँ पर टीम है यहाँ पर उसकी अगर बात कर ली जाए अगर यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स की तो यहाँ पर ओपनिंग करते हुए आपको देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, उसी के बाद में यहाँ पर जो कि डेवन फरारियो आपको देखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सुमित पटेल हैं, चौथे पायदान पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इरफान पठान, फिर पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हैरिस चावड़ा भी दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। और ये तो रही दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कैप्टाउन के स्नैप आदमी के बल्लेबाजों की तो आपको बता दें कि यहाँ पर कैप्टाउन के बल्लेबाजी में दोस्तों आपको रहमानुल्लाह गुरबाज देखने को मिलेंगे, वनका राजपक्षा देखने को मिलेंगे, कलीम जन्नत आपको देखने को मिलेंगे, पार्थिक पटेल दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे, मगर देखेंगे दोस्तों टॉम करन किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले। इस तरह से आपको अब देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो। इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं करा है फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज पे दोस्तों फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारे जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। अगर मैं दोस्तों आपको अपनी राय बताता हूँ तो इस मैच में दोस्तों हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ से जो अपनी टीम रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स रहेगी, हरारे हेरिकेन्स इस मैच को आसानी से जीत जाएगी क्योंकि हमने जो एक अपडेट आई है दोस्तों अपडेट के साथ ही रहेंगे, मगर आपको दोस्तों थोड़े थोड़े यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर कैप्टाउंस को यहाँ पर खाते हुए चलना है क्योंकि बता दें कि आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि कैप्टाउन है वो कितना टारगेट देती है हरारे हेरिकेन्स को, मगर ऐसा हल्के में नहीं आ सकते हैं यहाँ पर कैप्टाउन के स्नैप आर्मी को। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक तो जहाँ पर डिसेंट बल्लेबाजी रही है उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही है अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जितना जल्द जरूरी हो कि हरारे हेरिकेन्स के जो गेंदबाज हैं वो यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर जाल बुने और एक एक करके यहाँ पर बल्लेबाजों को दोस्तों अपने जाल में फंसाएं, और देखेंगे कि यहाँ पर जाल बुनता है या नहीं बुनता है मगर देखा जाएगा। मगर जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर जमे हुए हैं यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर टाइमिंग से ज्यादा दोस्तों भरोसा जताकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्कोर हो चुका है, आपको बता दें कि स्कोर आपके यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हुए अभी तक दोस्तों उतना अच्छा खासा स्कोर नहीं कह सकते हैं कि जितना चल रहा है, मगर तब भी दोस्तों यहाँ पर तेज गति से रन बनाने की कोशिश करी जाएगी दोनों बल्लेबाजों की, मगर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर विकेट गिरे हैं वो विकेट मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा खो दिए हैं। अगर T10 मुकाबले की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो कि 20 ओवर में अगर मैं बात करूँ 20 ओवर में पावर प्ले होता है दोस्तों 6 ओवर का यहाँ पर, और भाई T10 की अगर मैं बात करता हूँ तो T10 में दोस्तों पावर प्ले होता है 3 ओवर का, वो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ में अभी तो पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैप्टन जो स्नैप आर्मी है वो किस तरह से मैच को बुनाती है, और उसी के साथ में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो चाहे वो राइट हैंड बल्लेबाज हो, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलते हुए। इसी के साथ में करंट रन रेट भी दोस्तों उतना अच्छा का नहीं चल रहा है जितनी अच्छी यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर पहले 2 ओवरों में, और इसी के साथ देखेंगे कि मैच को कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद जोएब भाई ने लिखा है यहाँ पर भाई कौन सी टीम विन करेगी, भाई मैं आपको बता देता हूँ कि टीम यहाँ से विन करेगी हरारे हेरिकेन्स, जिस तरह से यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स इस मैच को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर विन करेगी, मगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैच को किस तरह से लेकर जाएगा। इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर 2 विकेट का नुकसान पर, और नरेंद्र ने दोस्तों अपने 2 ओवर कर चुके हैं, 2 ओवरों में नरेंद्र ने यहाँ पर 18 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, और बहुत बड़े दोस्तों 2 विकेट निकाले हैं वो भी एक ही ओवर में, तो कह सकते हैं यहाँ पर वो कि 2 ओवर में बिल्कुल काया पलट दी गई यहाँ पर कैप्टाउन की स्नैप आर्मी की। इसी के साथ देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है,
और देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कैपटाउन की स्नैप आर्मी अगर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करती है तो हरारे हेलिकेन्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि बता दें कि हरारे कैपटाउन के पास यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बैटिंग है, बैटिंग तो है यहाँ पर हरारे के पास, मगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कैपटाउन के पास है। तो कैपटाउन की अगर बॉलिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर कैपटाउन के पास बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। चाहे यहाँ पर कैपटाउन की बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर से आप गिनी है, बॉलर्स दोस्तों 5 गेंदबाज खेल रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों रिचर्ड नेगारा, नंबर 2 अपर सैंडल कॉटरा, नंबर 3 दोस्तों पीटर हैसगोल वो ऑस्ट्रेलिया के, और दोस्तों चौथे गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे टॉम करन। उसी के साथ में दोस्तों आप बता दें कि 5वें गेंद बल्लेबाज पर ऑलराउंडर हैं दोस्तों जोनाथन कैंपबेल, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो 5 गेंदबाज यहाँ पर खिलाए हैं और आपको बता दें कि 5 गेंदबाज यहाँ पर कैपटाउन के बहुत ही इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं दोस्तों। वो जानते हैं कि यहाँ पर T10 को T20 को किस तरह से यहाँ पर हैंडल करा जाता है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे 5 गेंदबाज और बहुत ही अनुभवी है। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैपटाउन का जो पड़ला है वो दोस्तों भारी है यहाँ पर हरारे किंग्स के नज़रिए से। और इसी के साथ में अभी तक दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर डिसेंट तरीके से चलती हुई मैं कोशिश ये करेंगे दोस्तों दोनों बल्लेबाज की तेज गति के साथ रन बनाए जाएँ। और जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो कि हरारे हेरिकेन्स के जो कप्तान हैं योन मॉर्गन, उन्होंने अभी तक यहाँ पर अपने जो गेंदबाजों का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा है, कोई भी दोस्तों गलती नहीं करी है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर कैपटाउन के जो बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी पर उनका कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। और जो भी दोस्तों बता दें कि तीन गेंदबाजों का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, माफी चाहूंगा दोस्तों 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो 5ों गेंदबाज ने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करी है, बिल्कुल यहाँ पर विकेट टू विकेट दोस्तों गेंदबाजी करी है, यहाँ पर रूम नहीं दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर एक अपडेट आ चुकी है कि आज के मैच में दोस्तों यहाँ पर जो कि रॉबिन उथप्पा हमें जो कप्तानी करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर योन मॉर्गन दोस्तों कप्तानी नहीं करेंगे। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा किस तरह से करेंगे, रॉबिन उथप्पा अपने आईपीएल करियर का दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल करते दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन छक्का लगाया गया है, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 42 पर 2 विकेट के नुकसान पर। कलीन सन्नाथ यहाँ पर खेलते हुए उसी के साथ में उनका यहाँ पर साथ निभाया जा रहा है गुरबाज के द्वारा, और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लास्ट की 2 गेंदे करते हैं यहाँ पर समित पटेल, 4 बॉलों में दोस्तों 9 रन दे चुके हैं समित पटेल। इसी के साथ में अभी तक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूँ, अगर कैपटाउन की टीम अगर 187 से 115 तक अगर पहुँच जाती है तो हरारे किंग्स के जो बल्लेबाज हैं दोस्तों वो थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे दोस्तों यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाए जाए। और इसी के साथ में अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं करा दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ में एक बेहतरीन ओवर देखने को मिला है हमें बल्लेबाजी की टीम की तरफ से, एक बेहतरीन ओवर, इसी ओवर के साथ दोस्तों हमारा वो टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस 47 के स्कोर को दोस्तों तेज गति के साथ और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ से लास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लास्ट के 36 गेंदें बची हैं, 36 गेंदों के साथ देखेंगे कि लास्ट की गेंदों पर किस तरह से फायदा उठाया जाता है। मगर मैं आपको अपनी टीम बता देता हूं दोस्तों, मेरी टीम जो रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स के साथ ही मैं रहूंगा लास्ट गेंद तक। तो दोस्तों तो आप मेरी अगर टीम के साथ जाना चाहते हैं दोस्तों तो मेरी टीम के साथ जाइए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी इस टीम को लाइक करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस मैच में। और आपको बता दें कि दोस्तों एलिमिनेटर खेला जा रहा है दोस्तों, जो भी इस टीम से जो भी दोस्तों इसमें यहाँ पर 2 कैप्टन स्नैप आर्मी वर्सेस दोस्तों हरारे हेरिकेन्स का ये यहाँ पर मैच हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीमों में से जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अगर डर्बन कैलेंडर्स के पास, डर्बन कैलेंडर्स यहाँ पर पिछला मुकाबला हार गई है दोस्तों, कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो डर्बन कैलेंडर्स से दोस्तों दूसरा क्वालिफायर खेलेगी। अगर क्वालिफायर दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी दोस्तों डर्बन कैलेंडर्स में से
यहाँ पर डलमा कैलेंडर्स दोस्तों तैयार है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्वालिफायर खेलने के लिए। अगर दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम दोस्तों जीता है वो जाएगी डलमा कैलेंडर्स खेलने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश जो करेंगे दोस्तों दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है दोस्तों। एलिमिनेटर अगर जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो वापस अपने घर चली जाएगी, चाहे दोस्तों वो कैपटाउन की आर्मी हो दोस्तों, चाहे वो हरारे हेरिकेन्स हो। तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये नॉकआउट मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है। और इसी तरह का जिस तरह से शुरुआत हुई, अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर कैपटाउन की स्नैप आर्मी की, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है। कोशिश ये करेंगे कि इस शुरुआत को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर बेहतर किया जा सके, और देखेंगे कि दोस्तों मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ पर अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए, मगर देखना होगा कि यहाँ पर अगर रहमानुल्लाह गुरबाज किस तरह से और कितनी देर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। और इसी समय अगर कोई भी आपका सवाल हो दोस्तों मैच से जुड़ा हुआ तो आप दोस्तों बता सकते हैं। और इसी समय से जिस तरह से शुरुआत हुई है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी जो बल्लेबाजी रही है वो बहुत ही डिसेंट बल्लेबाजी रही है, उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं, मगर गेंदबाजी की दोस्तों तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी रही है। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर अभी दोस्तों उतना अच्छा खास अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था, मगर कोशिश ये करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैपटाउन स्नैप आर्मी की, तो कैपटाउन स्नैप आर्मी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स के पास बहुत ही अच्छी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो कि अगर वहाँ पर जो कि लाइनअप की अगर बात करी जाए यहाँ पर जो कि टीम 11 की दोस्तों यहाँ पर टीम है यहाँ पर उसकी अगर बात कर ली जाए, अगर यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स की, तो यहाँ पर ओपनिंग करते हैं आपको देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, उसी के बाद में यहाँ पर जो कि डेवन फरारियो आपको देखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सुमित पटेल हैं, चौथे पायदान पर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इरफान पठान, फिर पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद नबी, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हैरिस चावरा भी दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। और ये तो रही दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कैपटाउन के स्नैप आर्मी के बल्लेबाजों की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर कैपटाउन के बल्लेबाजी में दोस्तों आपको रहमानुल्लाह गुरबाज देखने को मिलेंगे, वनका राजपक्षा देखने को मिलेंगे, कलीम जन्नत आपको देखने को मिलेंगे, पार्थिक पटेल दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेंगे, मगर देखेंगे दोस्तों टॉम करन किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिले। इस तरह से आपको अब देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं करा है फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज पे दोस्तों फॉलो करिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर हमारे जो चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। अगर मैं दोस्तों आपको अपनी राय बताता हूँ तो इस मैच में दोस्तों हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ से जो अपनी टीम रहेगी वो हरारे हेरिकेन्स रहेगी। हरारे हेरिकेन्स इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि हमने जो एक अपडेट आई है दोस्तों अपडेट के साथ ही रहेंगे, मगर आपको दोस्तों थोड़े थोड़े यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर कैपटाउंस को यहाँ पर खाते हुए चलना है, क्योंकि बता दें कि आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि कैपटाउन है वो कितना टारगेट देती है हरारे हेरिकेन्स को, मगर ऐसा हल्के में नहीं आ सकते हैं यहाँ पर कैपटाउन के स्नैप आर्मी को। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तक तो जहाँ पर डिसेंट बल्लेबाजी रही है उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही है। अगर हरारे हेरिकेन्स की अगर मैं बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जितना जरूरी हो कि हरारे हेरिकेन्स के जो गेंदबाज हैं वो यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर जाल बुने और एक एक करके यहाँ पर बल्लेबाजों को जो सो अपने जाल में फंसाएं, और देखेंगे कि यहाँ पर जाल बुनता है या नहीं बुनता है, मगर देखा जाएगा। मगर जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर जमे हुए हैं, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइमिंग से दोस्तों भरोसा जताकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्कोर हो चुका है, आपको बता दें कि स्कोर आपके यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हुए अभी तक दोस्तों उतना अच्छा खासा स्कोर नहीं कह सकते हैं जितना चल रहा है, मगर तब भी दोस्तों यहाँ पर तेज गति से रन बनाने की कोशिश करी जाएगी दोनों बल्लेबाजों की। मगर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर विकेट गिरे हैं वो विकेट मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा खो दिए हैं। अगर T10 मुकाबले की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो कि 20 ओवर में अगर मैं बात करूँ 20 ओवर में पावर प्ले होता है दोस्तों 6 ओवर का यहाँ पर, और भाई T10 की अगर मैं बात करता हूँ तो T10 में दोस्तों पावर प्ले होता है 3 ओवर का, वो आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ में अभी तो पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैप्टन जो स्नैप आर्मी है
वो किस तरह से मैच को बुनाती है, और उसी के साथ में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो चाहे वो राइट हैंड बल्लेबाज हो, और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलते हुए। इसी के साथ में करंट रन रेट भी दोस्तों उतना अच्छा का नहीं चल रहा है जितनी अच्छी यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर पहले दो ओवरों में, और इसी के साथ देखेंगे कि मैच को कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद जोएब भाई ने लिखा है यहाँ पर, भाई कौन सी टीम विन करेगी? भाई मैं आपको बता देता हूँ कि टीम यहाँ से विन करेगी हरारे हेरिकेन्स। जिस तरह से यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स इस मैच को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर विन करेगी, मगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैच को किस तरह से लेकर जाएगा। इसी के साथ में तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर 2 विकेट का नुकसान पर, और नरेंद्र ने दोस्तों अपने दो ओवर कर चुके हैं, दो ओवरों में नरेंद्र ने यहाँ पर 18 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, और बहुत बड़े दोस्तों 2 विकेट निकाले हैं वो भी एक ही ओवर में, जो कह सकते हैं यहाँ पर वो कि 2 ओवर में बिल्कुल काया पलट दी गई यहाँ पर कैप टाउन की स्नैप आर में की। इसी के साथ देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है, और देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कैप टाउन की स्नैप आर में अगर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करती है तो हरारे हेरिकेन्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि बता दें कि हरारे कैप टाउन के पास यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बैटिंग है, बैटिंग तो है यहाँ पर क्या हरारे के पास, मगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कैप्टाउन के पास है। तो कैप्टाउन की अगर बॉलिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर कैप्टाउन के पास बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, चाहे यहाँ पर कैप्टाउन की बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर से आप गिनिए, बॉलर्स दोस्तों 5 गेंदबाज खेल रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों रिचर्ड नगारा, नंबर 2 अपर सैंडल कॉटरर, नंबर 3 दोस्तों पीटर हैसगोल वो ऑस्ट्रेलिया के, और दोस्तों 4th गेंदबाज हमें देखने को मिलेंगे टॉम करन। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा आ चुका है दोस्तों, रॉबिन उथप्पा ने यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करके डाउन डा ग्राउंड खेला, और क्या बेहतरीन दोस्तों हमें चौका देखने को मिला है, बिल्कुल दोस्तों तीर के जैसा सीधा शॉट, तीर भी शर्मा जाए दोस्तों इस शॉट के सामने। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दूसरी बॉल पर सीधे हाथ दोस्तों और हल्के हाथों से रन देखने को मिला। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 5 पर 2 गुना किसी नुकसान पर। देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मैच को आगे लेके जाया जाएगा, और देखा जाएगा बस थोड़ी ही देर में दोस्तों यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी शुरू हो जाए। और इसी के साथ इवन लुइस ने भी अपना खाता खोल दिया है यहाँ पर चौके के साथ, और उसी चौके के साथ बता रहे कि टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 9 पर। क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर खेलते हुए जिस तरीके से मैं शुरुआत कर रहा था, अब वो शुरुआत देखनी होगी भाई, देखना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा, इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तीसरी बॉल पर यहाँ पर बेहतरीन चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 9 रन, और यहाँ पर चौथी बॉल पर एक और सिग्नल दिया गया, इसी सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर पहुंच जाएगा 10 पर बिना किसी नुकसान पर। रॉबिन उथप्पा 2 बॉल में दोस्तों 5 रन बनाकर खेलते हुए, तो उनके जो साथी खिलाड़ी यहाँ पर इवान लुइस भी यहाँ पर 2 बॉलों में 5 रन बनाकर खेलते हुए। इसी के साथ यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है रॉबिन उथप्पा ने, यहाँ पर सैंडल कॉटरल की उठा के गेंद खेलने की कोशिश, मगर बल्ले गेंद का संपर्क नहीं, और आपको बता दे दोस्तों यहाँ पर जाएगा विकेट, रॉबिन उथप्पा यहाँ पर अपना विकेट कमाएंगे 3 बॉलों में दोस्तों 5 रन बनाकर। यहाँ पर हवाई फायर लगाने की कोशिश, मगर बल्ले और गेंद पर संपर्क सही तरीके से नहीं हुआ, मगर यहाँ पर 9 बॉल चेक करी जाएगी ऐसा लगता है, तो क्या 9 बॉल है, अंपायर यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ रुक तो करेंगे, मगर देखा जाएगा कि 9 बॉल है या नहीं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना है। हरारे हेरिकेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है, 55 बॉलों में यहाँ से 36 रन, यहाँ से 136 रन की आवश्यकता है। अगर देखेंगे कि जिस तरह से यूसुफ पठान ने पारी खेली है वो पारी यहाँ पर कौन खेलता है,
यहाँ पर रॉबिन उथप्पा का अगर विकेट जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स के लिए दिक्कत की बात आ जाएगी और यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाने होंगे अगर मैं बात करता हूँ तो। इसी के साथ में यहाँ पर सरंडल कॉटल दोस्तों यहाँ पर पांचवीं बॉल करी थी, पांचवीं बॉल पर यहाँ पर विकेट तो प्राप्त हुआ मगर अंपायर दोस्तों नौ बॉल के लिए चेक करेंगे क्या नौ बॉल होती है दोस्तों बता दे। और इसी के साथ यहाँ पर नौ बॉल होती है मतलब यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ दोस्तों रॉबिन उथप्पा का। इसी के साथ में फ्री हिट कदमों का इस्तेमाल करा और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए सैंडल कॉटरल ने। यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी के चलते हमें देखने को मिले हैं दोस्तों यहाँ पर एक और रन। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन जिस तरह से फ्री हिट का फायदा उठाना चाहिए था तो फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। इसी के साथ में यहाँ पर इस ओवर की सैंडल कॉटरल आखिरी बॉल लेकर तैयार है। रॉबिन उथप्पा दोस्तों यहाँ पर आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार है और देखा जाएगा रॉबिन उथप्पा आखिरी बॉल को किस तरह से खेलेंगे। इसी के साथ में आखिरी बॉल पर एक और सिंगल देखने को मिला। इसी सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर हो जाएगा एक ओवर की समाप्ति पर 12 पर बिना किसी नुकसान पर और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगा अगर इस मैच को जीता है हरारे हेरिकेन्स को। अगर मैं बात करता हूँ अगर हरारे हेरिकेन्स की यहाँ पर हार और जीत पर अगर कोई निर्णय करेगा तो ओपनिंग पर निर्भर करेगा दोस्तों। अगर ओपनिंग बल्लेबाज रहा है वो रॉबिन उथप्पा हो चाहे दोस्तों इवान लुइस हो, अगर दोस्तों यहाँ से पावर प्ले तक या उसके बाद अगर दोनों बल्लेबाज अगर अच्छी तरीके से 5-6 ओवर तक अगर खेल गए तो हम कह सकते हैं कि रॉबिन उथप्पा और इवान लुइस इस मैच को दोस्तों अंत तक लेकर जा सकते हैं, आखिरी गेंद तक लेकर जा सकते हैं। मगर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ में सैंडल कॉटरल 54 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 134 रन की आवश्यकता है। इसी के साथ में दोस्तों ओवर दूसरा ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर गेंदबाज देखना होगा कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा किस तरह से खेलेंगे। रॉबिन उथप्पा के ऊपर दोस्तों बहुत यहाँ पर दबाव कह सकते हैं कि दोस्तों वो कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में। यहाँ पर कप्तानी पारी खेलने का जो नॉक है दोस्तों वो समय आ चुका है मगर देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा अपने अनुभव का इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो देखना होगा। इसी के साथ में सैंडल कॉटरल पहले ओवर में दोस्तों हमें देखने को मिला चौका। इसी के साथ में नए ओवर की शुरुआत जो हो चुकी है वो क्या बेहतरीन कट शॉट के साथ हुई। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत हो भी होती हुई चौके के साथ और इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोस्तों हरारे हेरिकेन्स को अगर ये मैच जीतना है। इसी के साथ में 9 ओवर यहाँ पर 6 गेंदों में दोस्तों रॉबिन उथप्पा का स्कोर हो चुका है 9 पर बिना किसी नुकसान पर। चले पे नमक छिड़का जा रहा है, मुजीबुर रहमान दूसरी बॉल लेकर तैयार है रॉबिन उथप्पा के लिए। इस बार देखेंगे रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करा है, गेंद को उठा के खेला है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंद को उठा के गेंद की लाइन के नीचे आए थे और इसी गेंद के लाइन के साथ मुजीबुर रहमान यहाँ पर बता दें 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। मतलब थोड़े से जो मुजीबुर रहमान है वो महंगे दिखाई दे रहे हैं और 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं और लगातार दोस्तों यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाने होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 52 बॉलों में यहाँ से जो रन चाहिए वो रन चाहिए दोस्तों 124। इसी के साथ में मुजीबुर रहमान तीसरी बॉल लेकर फिर से तैयार है। एक बार फिर से दोस्तों रॉबिन यहाँ पर उठा के खेला है रॉबिन उथप्पा ने और रॉबिन उथप्पा क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए है यहाँ पर 8 बॉलों में 21 पर खेलते हुए कप्तानी पारी खेल रहे हैं रॉबिन उथप्पा और मुजीबुर रहमान के ऊपर 216 रन बना दिए हैं 3 गेंदों में। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसी तरीके से हरारे हेरिकेन्स को शुरुआत करनी होगी इस मैच को अगर जीतना है। 51 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 118 रन की आवश्यकता है और यहाँ पर 3 गेंदों में 16 रन दे सकते हैं दे चुके हैं मुजीबुर रहमान। लास्ट के 3 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन देते हैं और इसी तरीके से पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर यहाँ से मैच जो जीतना चाहते हैं। मगर देखा जाएगा दोस्तों कि मैच को किस तरह से आगे के लिए लेकर जाते हैं। एक बार फिर से दोस्तों उठा के गेंद को खेला है और एक और छक्का और क्या बेहतरीन 3 छक्के 1 चौका और बिल्कुल बता दें दोस्तों 22 रन 4 गेंदों में बिल्कुल 22 रन आ चुके हैं दोस्तों। मुजीबुर रहमान की जो स्पिन गेंदबाजी थी उसको ताड़ ताड़ कर दिया है और क्या बेहतरीन तरीके से खेलते हुए इसी क्षण में मुजीबुर रहमान 4 बॉलों में दोस्तों 22 रन दे चुके हैं और रॉबिन उथप्पा 9 बॉलों में दोस्तों 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी के साथ इवान लुइस की मैं बात करता हूँ, इवान लुइस दोस्तों 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। रॉबिन उथप्पा ने एक और दोस्तों कट शॉट एक और चौका और यहाँ पर मुजीबुर रहमान दोस्तों कहीं भी गेंद करें मगर यहाँ पर जो कि हर बॉल पर चौका छक्का यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। इसी क्षण में अब तक यहाँ पर 26 रन हो चुके हैं और अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से 49 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 108 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट 13.5 का है दोस्तों। करंट रन रेट भी अच्छे तरीके से चल रहा है और रॉबिन उथप्पा दोस्तों अपने आप ही जो कप्तानी पारी को खेलते हुए मगर आखिरी बॉल अभी बची है, आखिरी बॉल को मुजीबुर रहमान तैयार है। एक बार फिर से दोस्तों बड़ा शॉट खेल सकते हैं यहाँ पर रॉबिन उथप्पा
देखेंगे कि बड़ा शॉट खेलेंगे। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है दोस्तों, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आसानी से दोस्तों दो रन ले लेंगे। और इसी दो रन के साथ आपको बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 40 पर बिना किसी नुकसान पर। 48 बॉलों में यहाँ से 106 रन चाहिए। और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों रॉबिन उथप्पा ने अपनी पारी का इस्तेमाल करा है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुजीबुर रहमान के पहले ओवर में हमें देखने को मिले 28 रन, और इसी 28 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 40 पर। अब 48 बॉलों में 106 रन चाहिए। करंट रन रेट 220 का चल रहा है। वहीं रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं बात करता हूं तो रिक्वायर्ड रन रेट यहां से 48 का चलता हुआ, मगर कोशिश करेंगे इवन लुइस भी जो अगला ओवर लेकर आते हैं, देखेंगे कि अगला ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आते हैं अगले ओवर में। दोस्तों अगर बल्लेबाज अगर अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ से 15 या 20 रन का है, 15 से 18 रन का अगर ओवर आ जाता है तो कह सकते हैं दोस्तों कि एक बड़ा ओवर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में इवन लुइस को भी अपने कप्तान का साथ देना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पर 11 बॉलों में दोस्तों 33 रन बनाकर खेल रहे हैं रॉबिन उथप्पा, तो इवन लुइस को भी कहीं ना कहीं साथ देना होगा अगर मैं जिस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ। इसी के साथ में 48 बॉलों में यहाँ से जरूरत है 106 रन की। रिक्वायर्ड रन रेट 200 चलता हुआ यहाँ से अगर मैं बात करूँ, रिक्वायर्ड रन रेट 13.25 का चलता हुआ। इसी के साथ में यहाँ पर वाइस कैप्टन आ चुके हैं टीम के टॉम करन। टॉम करन की अगर मैं बात करता हूं तो टॉम करन दोस्तों लगातार यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जाने गए हैं, मगर देखना होगा कि टॉम करन पहली बॉल को किस तरह से करते हैं। इवन लुइस पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है टॉम करन की। इवन लुइस ने दोस्तों हल्के हाथों से गेंद को खेला है थर्डमैन की तरफ, आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 71 पर बिना किसी नुकसान पर। बेहतरीन है दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों कमेंट में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर इसी के साथ हो तो मेहमत जो है भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हरारे हिंदी के यहाँ पर अभी तक फेवरेट चल रही है, तो उससे पहले दोस्तों अपना लॉस कवर है वो निकाल लीजिए। इसी के साथ में अपना जो लॉस है दोस्तों उसको निकाल लीजिए। और इसी के साथ में बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन पर। और क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इसी के साथ में बता दूँ कि अभी भी यहाँ पर कैपटाउन की टीम यहाँ पर भाव दे रही है। और 47 बॉल में 105 रन की आवश्यकता है। रॉबिन उथप्पा अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है। टॉम करन राउंड द विकेट से तैयार हैं गेंद लाने के लिए। रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों मारने की कोशिश, मगर बल्ले गेंद का संपर्क सही तरीके से नहीं हुआ, और जिसके कारण बता दें कि एक और जीवनदान मिलता हुआ रॉबिन उथप्पा को। लगातार दोस्तों जीवनदान पर जीवनदान मिलते हुए रॉबिन उथप्पा को। अगर रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों बेहतरीन पारी खेल दी तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर पीछे मुड़ के देखें कि अगर कैपटाउन की टीम अपने आप को बहुत कोसेगी, क्योंकि बता दें कि अगर दो जीवनदान, एक पहला जीवनदान यहाँ पर सेंड्रल क्वार्टरल ने दिया, अब दूसरा जीवनदान यहाँ पर टॉम करन ने दिया। इसी के साथ में दो गेंदों में हमें जो अब तक रन देखने को मिले हैं दोस्तों, वो दो गेंदों में हमें तक रन देखने को मिले। इसी साथ में अगली बॉल को रिवन यहाँ पर इवन लुइस ने यहाँ पर लंबाई यहाँ पर गेंद की उछाल के नीचे आकर यहाँ पर इवन लुइस ने भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से छक्का खेला है, यहाँ पर मारा है इसको लॉन्ग ऑन के यहाँ पर ऊपर से, और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 48 पर बिना किसी नुकसान पर। क्या बेहतरीन तरीके से पावर प्ले को बनाया जा रहा है, और कोशिश ये करी जाएगी। अभी 3 गेंदों में 7 रन दे चुके हैं, तो कोशिश कर सकते हैं कि 3 गेंदों में और कितने रन हमें देखने को मिल सकते हैं टॉम करन के ऊपर से। मेरे हिसाब से दोस्तों इवन लुइस को भी अपने कप्तान रॉबिन उथप्पा का यहां पर साथ देना पड़ेगा। और 12 बॉलों में दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है 34 पर बिना किसी नुकसान पर। इसी क्षण में हरारे हिंदी केस का स्कोर पहुंच चुका है 48 पर बिना किसी नुकसान पर। बेहतरीन तरीके से रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 13 का चलता हुआ। सिक्स रन में चौथी बॉल, टॉम करन फिर से तैयार है इवन लुइस को अगली गेंद करने के लिए। इवन लुइस दोस्तों बता दें कि इवन लुइस ने हमारा बल्ला तो चलाया है, गेंद गैप में है, मगर यहाँ पर एक ही रन प्राप्त होगा, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 49 पर बिना किसी नुकसान पर। हरारे हरिकेन्स लगातार दोस्तों इस टारगेट की तरफ बढ़ती हुई। रॉबिन उथप्पा 12 बॉलों में दोस्तों 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल दोस्तों हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और सिक्स रन में 44 गेंदों में ऐसा 97 रन की आवश्यकता है। देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है टॉम करन की। राउंड द विकेट से तैयार है टॉम करन। दोस्तों यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करा गया रॉबिन उथप्पा के द्वारा, और बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं देखने को मिला, जिसके कारण दोस्तों डॉट गेंद हमें देखने को मिलेगी। इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से हम बता दें आप लोगों को कि 49 पर बिना किसी नुकसान पर। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि अभी भी मात्र बता दें कि आखिरी बॉल है टॉम करन की। टॉम करन ने अब तक दोस्तों अपने इस ओवर में 9 रन दिए हैं। पिछला ओवर यहाँ पर 28 रन करा था, तो अब तक दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन ओवर देखने को मिला है। अब मगर कोशिश करेंगे लाके आखिरी बॉल पर कितने रन और हुए देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में अगली बॉल यहाँ पर रॉबिन उथप्पा ने गेंद को उठा के खेला है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक और छक्का।
और इसी के साथ आपको बता दें कि रविन उथप्पा ने आखिरी बॉल पर छक्के मारकर दोस्तों यहां पर पावर प्ले को समाप्त करा है। और इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 55 पर बिना किसी नुकसान पर। इवन लुइस 5 बॉल में दोस्तों 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो उसके जवाब में रविन उथप्पा 14 बॉलों में दोस्तों 40 रन बनाकर खेल रहे हैं और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी कर रही है। इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों आपको बता दें कि 55 रन बिना किसी नुकसान पर 42 बॉलों में। यहाँ से जो रन चाहिए वो रन चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि 91 रन 3 ओवर दोस्तों। देखिए इनकी लास्ट के यहाँ से 42 गेंदें बची, मतलब लास्ट के 42 गेंद यहाँ पर 42 गेंदें बची हैं और 42 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बना लिए जाते हैं। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इवन लुइस को भी अपने कप्तान का यहाँ पर साथ दिमाना होगा। इवन लुइस भी दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। इवन लुइस ने 5 बॉलों का सामना करा है, 5 बॉलों में 12 रन 1 चौका 1 छक्का देखने को मिला है। उसी के साथ में रविन उथप्पा की अगर मैं बात करता हूँ तो रविन उथप्पा भी लगातार दोस्तों बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। तारीफ़ काबिल दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर हेनरी के यहाँ पर हरा रहे हैं कैस के बल्लेबाज। और भाई यहाँ पर पहला झटका लग चुका है दोस्तों। यहाँ पर रशीद नगारा ने अपनी पहली बॉल को दोस्तों यहाँ पर इन स्विंग करते हुए देखने को मिली और इन स्विंग के साथ ही गेंद अंदर के लिए आई, जिसके कारण यहाँ पर मैं बात करता हूँ इवन लुइस सही तरीके से गेंद को भाप नहीं पाए, जिसके कारण दोस्तों हमें यहाँ पर हवाई फायर करने के चक्कर में पर आउट होने को देखने को मिले। इसी के साथ में स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 55 पे गिरा है पहला विकेट और इसके साथ में यहाँ पर डेविन फेरारियो दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और डेविन देखेंगे कि डेविन फेरारियो भी तेज गति के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर देखना होगा कि रविन उथप्पा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और कब तक दोस्तों बल्लेबाजी कर सकते हैं और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों 55 पर। इसी के साथ में अगले ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई और रविन उथप्पा ने क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करी। अगर रविन उथप्पा की मैं उम्र की अगर मैं बात करता हूँ तो रविन उथप्पा यहाँ से 37 वर्षीय हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेलते हैं दोस्तों रविन उथप्पा। और सिक्स रन में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार हैं डेविन फेरारियो। राउंड द विकेट से दोस्तों आते हुए गेंदबाज उचित नकारा के लिए अगली बॉल सी डबल्ले के साथ खेला, आसानी से 1 रन देखने को मिला। इसी तरह 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 56 पर एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से आ चुके हैं स्ट्राइक पर यहाँ पर कप्तान रविन उथप्पा। उचित नकारा देखेंगे किस तरह से मैच को आगे के लिए लेकर जाते हैं, मगर आप कह सकते हैं कि यहाँ से कि ये मैच तराजू में बैठा है कि यहाँ से नहीं कह सकते कि कौन सी टीम कब जीत सकती है। और लगातार दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ कर यहाँ पर करंट रन रेट दोस्तों नीचे गिरता हुआ, मगर देखना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार हैं, एक बार फिर से सामना करा जाएगा रविन उथप्पा के द्वारा। रिचर्ड नगारा की अगर मैं बात करता हूँ तो रिचर्ड नगारा ने यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करी है। पिछले यहाँ पर बता दें कि लगातार 2-3 मैचों में यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ इकॉनमी भी इनकी कम की रहती है दोस्तों, विकेट भी निकाल के अच्छे तरीके से देते हैं, मगर देखना होगा। इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो स्कोर यहां से हो जाएगा आपको बता दें कि 57 पर एक विकेट के नुकसान पर। अभी तक दोस्तों पिछले ओवर में 15 रन हमें देखने को मिले थे और अभी तक इस ओवर में मात्र हमें 2 रन देखने को मिले हैं, तो कह सकते हैं दोस्तों कि इस ओवर में यहाँ पर तेज गति के साथ रन बनाने होंगे अगर यहाँ से मैच को अगर जीतना है हरारे हेरिकेन्स को। और इसी के साथ में रिचर्ड नगारा 3 बॉलों में 2 रन दे चुके हैं। इसी के साथ में चौथी बॉल लेकर तैयार है डेविन फेरारियो दोस्तों सामना करेंगे और देखेंगे कि डेविन फेरारियो किस तरह से सामना करते हैं।
इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर तैयार है डेविन फरानियो ने। दोस्तों क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन चौका, और इसी चौके के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा 61 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 38 बॉलों में दोस्तों 85 रन की आवश्यकता है डेविन फरानियो की। अगर मैं बात करता हूँ तो डेविन फरानियो ने क्या बेहतरीन दूसरी ही बॉल पर यहाँ पर चौका हमें देखने को मिला है, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 61 पर 1 विकेट के नुकसान पर। रॉबिन उथप्पा 15 बॉलों में दोस्तों 61 रन बनाकर खेल रहे हैं, और उनके जो साथी खिलाड़ी है डेविन फरानियो वो भी 2 बॉल में 205 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब 38 गेंदों में आपसे चाहिए 85 रन की, और देखा जाएगा कितने रन और बनाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों तेज गति के साथ यहां पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर यहां पर डेविन फरानियो को, दोस्तों उनका साथ निभाना पड़ेगा अपने कप्तान का, जिस तरह से कप्तान उनके बेहिचक यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि अगली बॉल यहाँ पर डॉट गेंद करी गई, और डॉट गेंद के साथ दोस्तों डेविन फरानियो यहाँ पर 3 बॉलों में 5 रन बनाकर खेलते हुए। इसी के साथ में रिचर्ड नगारा की आखिरी बॉल सामना करा जाएगा, रिचर्ड नगारा की आखिरी बॉल, और देखेंगे कि यहाँ पर रिचर्ड नगारा किस तरह करेंगे। राउंड द विकेट से दोस्तों रिचर्ड नगारा गेंद लेकर आते हुए गेंद को दोस्तों रिलीज करा गया है। गेंद यहाँ पर पैरों पर आती हुई फुल टॉस गेंद को दोस्तों टांग दिया है यहाँ पर लोग यहाँ पर स्क्वाड लेके दिशा में यहाँ पर बेहतरीन छक्का। इसी छक्के के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो जाएगा 67 पर 1 विकेट के नुकसान पर। रॉबिन उथप्पा के क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, इसी के साथ में डेविन फरानियो की भी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ बता दें कि यहाँ पर 12 रन का ये ओवर आता हुआ, इसी रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 67 पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। 36 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 79 रन की आवश्यकता है, और डेविन फरानियो की अगर मैं बात करता हूँ तो डेविन फरानियो 4 बॉलों में दोस्तों 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, और रॉबिन उथप्पा 15 बॉलों में 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी के साथ में अगर आपका कोई भी सवाल दोस्तों हमारे मैच से जुड़ा अगर हुआ, अगर कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और इसी के साथ में देखेंगे कि मैच को किस तरह से आगे के लिए लेकर जाया जाता है। इसी के साथ में एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं आपको बता दें कि रॉबिन उथप्पा यहाँ इस वक्त दोस्तों स्ट्राइक पर, और रॉबिन उथप्पा के यहाँ पर कोशिश करी जाएगी कि रॉबिन उथप्पा यहाँ पर सही तरीके से खेलें। इसी के साथ में रॉबिन उथप्पा यहाँ पर अगली बॉल कलीम जन्नत का स्वागत करा है। कलीम जन्नत यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए, और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर उनका स्वागत करा गया है चौके के साथ, और उसी चौके के साथ दोस्तों बता दें कि पहली बॉल पर यहाँ पर चौका आ चुका है कलीम जन्नत के पहले ओवर में चौका आता हुआ, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 35 गेंदों में 75 रन की आवश्यकता है। और क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए दोस्तों यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, और लगातार दोस्तों बता दें कि तेज गति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करी जा रही है। रॉबिन उथप्पा 16 बॉलों में यहाँ पर पहुंच चुके हैं 45 पर 5 रन दूर हैं दोस्तों अपने 8 शतक से। मगर कोशिश करी जाएगी दोस्तों की किस तरह से बल्लेबाजी करें, मगर कह सकते हैं दोस्तों पिछले ओवर में 3 रन कम रहेगा थे तो ये ओवर कम से कम 18 रन का आना चाहिए। अगर 18 रन का ओवर आता है तभी दोस्तों मैच बनेगा, और रॉबिन उथप्पा 16 बॉल में खेल रहे हैं। इसी के साथ में 9 बॉल चेक करी जा रही है, 9 बॉल चेक करी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अंपायर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर 9 बॉल है, और इसी के साथ में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है डॉट गेंद है। और आपको बता दें दोस्तों अगली बॉल दूसरी बॉल यहाँ पर होगी 9 बॉल, और 9 बॉल के साथ फ्री हिट, और यहाँ पर तेज गति के साथ दोस्तों बता दें कि 35 बॉल में 74 रन की आवश्यकता है। अंपायर तैयार है दोस्तों, देखेंगे कि यहाँ पर फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं यहाँ बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा। मेरे हिसाब से दोस्तों रॉबिन उथप्पा को यहाँ पर फ्री हिट का फायदा उठाना जरूर चाहिए था यहाँ पर, मगर देखा जाएगा कि कलीम जन्नत भी दोस्तों बहुत ही चतुर बल्लेबाज है, बहुत जानता है दोस्तों कि कहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 71 पर 1 विकेट के नुकसान पर, और 9 बॉल के साथ दोस्तों। मगर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है, और आसानी से दोस्तों 34 बॉलों में यहाँ से जो रन चाहिए वो रन चाहिए मात्र हैं से यहाँ 73 रन, और लास्ट की यहाँ से अब जो भी बता दें कि लास्ट की 4 गेंदें बची हैं, और 4 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं लास्ट की 4 गेंदों में। और स्ट्राइक जो रहेगी वो डेविन फरानियो के पास रहेगी, डेविन फरानियो के पास दोस्तों लास्ट यहाँ पर रहेगी, और देखेंगे कि मैच को कितनी तरफ यहाँ पर लेकर जाता है, कौन सी टीम दोस्तों इस मैच को यहाँ पर जीतेगी। मगर ऐसा लग रहा है कि हरारे हरिकेन्स इस मैच को यहाँ पर ज़्यादा विन कर सकती है। इसी के साथ में डेविन फरानियो के पास दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है, और डेविन फरानियो की अगर मैं बात करता हूँ तो डेविन फरानियो यहाँ पर साउथ अफ्रीका से आते हैं, तेज गति के साथ दोस्तों बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, और जो उनके आइडल रहते हैं वो यहाँ पर जो उनके दोस्तों पसंदीदा यहाँ पर पसंद के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर डेविड मिलर हैं। तो कलीम जन्नत ने यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आपको बता दें कि कलीम जन्नत ने 3 गेंदों में जो रन दिए हैं वो मात्र अभी तक 6 रन दिए हैं, तो कह सकते हैं दोस्तों बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कलीम जन्नत। इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर तीसरी बॉल हमें डॉट गेंद देखने को मिलेगी,
और इसी डॉट के चलते यहाँ पर लगातार दबाव बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, और कलीम सन्नत यहाँ पर बेहतरीन तरीके से है। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि मोहम्मद जोहेब आयरलैंड का है। भाई क्या हाल है? बस भाई आपका मस्त हाल है। और आप बताइए कि आपने कितने रुपए की बैट करी है, कितने रुपए की बैट करी है, और आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था पिछले मैच में, उस हिसाब से मैं दोस्तों आपके लिए कुछ एक जानकारी लेकर आया हूँ यहाँ पर मोहम्मद जोहेब भाई। और इसी के साथ में 33 बॉलों में आपने दोस्तों जो भी हमारा मेरे को सुन रहा है, मेरी आवाज़ को सुन रहा है, सारे भाई लोगों अपना अपना प्रॉफिट ज़रा मुझको शेयर करिएगा, और कितना इन्वेस्ट करा है वो भी बताइएगा। और इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार हैं दोस्तों यहाँ पर 32 बॉलों में दोस्तों 72 रन बनाकर खेल रहे हैं, पर 32 बॉलों में 72 रन चाहिए। और लगातार दोस्तों बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए रॉबिन उथप्पा मात्र 4 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से। 18 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 46 पर खेल रहे हैं अभी भी दोस्तों। यहाँ से कह सकते हैं कि 2 गेंदें शेष बची हैं, 2 गेंदों में देखेंगे कि यहाँ पर और कितने रन बनाए जा सकते हैं। और उसी के साथ में आकर जो मोहम्मद जोहेब भाई, आप पहले ये बताइए कि आपने कितने की वेट करी है और कितने भाव पे लिया है। इसी के साथ में रॉबिन उथप्पा ने गेंद को उठा के खेला है, गेंद सारी है बाउंड्री लाइन के तरफ और एक और बेहतरीन चौका, और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 78 पर एक विकेट के नुकसान पर। 31 बॉलों में 68 रन की आवश्यकता, और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल तारीफ़ काबिल दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करी गई है। और जिस तरह से बल्लेबाजी करें, इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है 88 पर एक विकेट के नुकसान पर 33 बॉलों में 78 रन की आवश्यकता है। रॉबिन उथप्पा 54 पर यहाँ पर जो कि पहुँच चुके हैं 50 पर 19 बॉलों में। और आपको बता दें कि भाई पहले मैच में मैंने 800 इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट मुझे 1000 हो गया, और अपने 1000 पर ही अरेकन्स लगा दिए। अरे भाई आपने 1000 लगा दिए, आप ये बताइए मोहम्मद जोहेब भाई कि आपने हरारे को कितने भाव पर खाया है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपना जो 1000 रुपये है ना उसको निकाल लीजिए, प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा, आप 1000 रुपये को अपने निकाल लीजिए, उसके बाद लो बुक शर्ट लॉक शर्ट आप कर लीजिएगा। मगर देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है आप मुझे बताइए, और उस हिसाब ये मैच यहाँ से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि बता दें कि 30 बॉल में 64 रन चाहिए, ये मैच किधर भी जा सकता है। मगर मेरे हिसाब से ये मैच ये हरारे हेरिकेन्स ही जीतेगी, मगर जो आपका जो 1000 रुपये इन्वेस्ट है ना उसको इन्वेस्ट सारे लोग अपना जो यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट है और जो भी आपने पैसा लगाया है सब एग्जिट कर लीजिएगा, सारे थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट कर लीजिएगा, जिससे आप अगर मैच पलटता भी है तो आपका नुकसान नहीं होगा। इस तरह से मैंने बात करी, इसी के साथ में 30 बॉलों में यहाँ पर 64 पर यहाँ पर स्कोर हो चुका है। तो मोहम्मद जोहेब भाई अब अपना जो भी है अगर प्रॉफिट बन रहा है, मगर अभी रुकिएगा दोस्तों, इतनी जल्दी कोई भी नहीं है अब आप निकालने की। मगर जैसे जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स फेवरेट आती जाए तब आप निकालिएगा, मगर अभी रुक जाइएगा, अभी हरारे हेरिकेन्स फेवरेट नहीं है। और इसी के साथ में देखेंगे कि अगला ओवर कौन सा लेकर आता है, अगर अगला ओवर अगर कोई अच्छा गेंदबाज लेकर आता है और जिसके ऊपर यहाँ पर जो कि बता दें कि रन पड़ सकते हैं। और इसी के साथ में पीटर हेड्स को लुआ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। भाई लोगों रुक जाना, कोई भी यहाँ पर लॉस कट बुक सेट मत करना अभी, क्योंकि रन बनने वाले हैं इस ओवर में। इसी के साथ दोस्तों राउंड द विकेट से तैयार हैं, पटकी हुई गेंद डेविन फरारियो ने क्या बेहतरीन छक्का लगाया है क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर बता दें दोस्तों अगर बहुत बढ़िया छक्का देखने को मिला है पीटर हेड्स को लुके ऊपर। और भाई भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा पास ड्रीम इलेवन नहीं है। हाँ भाई आपके पास ड्रीम इलेवन नहीं है, मगर आपने अपनी बुकी पर तो खेला होगा, अपने पास डिब्बा होगा उस पर तो खेला होगा। और ड्रीम इलेवन आपके पास नहीं है, मैं जानता हूँ ड्रीम इलेवन आपके पास नहीं है। इसी के साथ में पीटर हेड्स गोलू अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल सामना करा जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से डेविन फरारियो ने उठा के गेंद को खेला है और आसानी से 2 रन प्राप्त होंगे, और उसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 90 पर हो जाएगा। मैं मोहम्मद जोहेब भाई मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपना जो आपने 1000 रुपये लगाया है उस 1000 रुपये को निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे हरारी हेरिकेन्स फेवरेट आए, आप समझ रहे हो ना, हरारे हेरिकेन्स जैसे फेवरेट आए अपना जो पैसा है वो निकाल लीजिएगा, हरारे हेरिकेन्स के साथ ही रहिए। और इसी के साथ लास्ट की आखिरी गेंद तक आप हरारे हेरिकेन्स को सपोर्ट करेंगे। अच्छा आप बोल रहे हैं कि मेरी बेट कंप्लीट मैच के लिए होती है, अरे भाई ऐसे क्या, अच्छा बुकी पे नहीं खेलते हैं आप? हाँ कोई बात नहीं, आप तो अगर आप बुकी पे खेलिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा भाई आपको मेरे हिसाब से, कि आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ खेलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसके साथ खेलते हैं तो जो आपको नुकसान है वो नुकसान नहीं होगा, आप बुकी पे खेलिएगा। और आप हम बता रहे कि मेरी बेट कंप्लीट मैच के लिए होती है वो, चलो ठीक देखते हैं, मगर आखिरी बॉल पर मैं आपको लिख कर देता हूँ ये मैच हरारे हेरिकेन्स का ही है। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि 91 हो चुका है और लास्ट के 2 गेंद में देखेंगे किस तरह से करेंगे। उसी के साथ में आपको स्कोर की अगर मैं अप्रूवल है, पैडों पर गेंद लगी थी और बता दें 26 बॉलों में यहाँ से 55 रन की आवश्यकता है।
और देखेंगे कि यहाँ पर आखिरी बॉल बची है। आखिरी बॉल देखेंगे पीटर हेड्सकोलू कहाँ करते हैं। पीटर हेड्सकोलू ने पहली बॉल पर छक्का खाया था, उसके बाद मात्र अभी तक उन्होंने 9 रन दिए हैं 4 गेंदों में। तो पीटर हेड्सकोलू ने यहाँ पर अच्छी तरीके से वापसी करी है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अभी भी 2 गेंदें शेष बची हैं और 2 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर अच्छी तरीके से अगर बनाए हैं तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि और रन देखने को पड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामना करा जाएगा दोस्तों डेविन फरारियो के द्वारा। देखेंगे डेविन फरारियो ने हल्के हाथों से गेंद को खेला, कवर के दिशा में आसानी से 1 रन देखने को मिलेगा और इसी 1 रन के चलते दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लेग वाई का आता हुआ यहाँ पर और इसी के साथ में 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 93 पर 1 विकेट के नुकसान कर। यहाँ पर मुआवजा लिखा है भाई आपने, आपने लिखा है अगले मैच पर बुक पर खेलूंगा। हाँ बुकी पर खेलिए भाई तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं, अच्छे तरीके से नहीं। अगर मैं आपको पहले मैच को आपको याद हो तो टीम जो थी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डरबन कलंदर्स की जो टीम थी वो 10 पैसे पे थी। अगर आप 10,000 अगर आप 10,000 रुपये लगाते तो आपको 10,000 मिलते, ठीक है, मगर आपने आप 800 लगाए थे तो आपको सिर्फ 1,800 रुपये मिले, मतलब 1,000 ही रुपये मिले। अगर आप उस समय भाव खा लेते यहाँ पर जो मैंने खाया था तो मेरा प्रॉफिट उतना हो गया था भाई, मेरा प्रॉफिट हुआ था 12,000 रुपये का मैंने खाया था। मुझे पता था कि यहाँ पर मैं यूसुफ पठान मैच जिता सकता है, मैंने कहा 1,000 रुपये नहीं सही, ठीक है, तो मैंने खा लिया था तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ था भाई। तो ड्री वाले मन पर थोड़ा सा लॉस हो गया था मगर यहाँ पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उधर 12,000 रुपये ले लिए थे। तो आप बुक पे खेलिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा तो मोहम्मद जो है भाई, मगर खेलिएगा मेरे साथ ही क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको विन करा सकता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ आपको हरारे हेरिकेन्स 24 बॉलों में यहाँ से 53 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 13 का चलता हुआ और करंट रन रेट 215 का चलता हुआ। अब देखेंगे कि यहाँ से जो कि चार जो यहाँ से मात्र 24 गेंदें जो बची हैं वो 24 गेंदों में देखेंगे किस तरह से करेंगे। और इसी के साथ में ऋषभ नगारा आगरा ओवर लेकर आते हुए फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है और देखा जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर ऋषभ नगारा ने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए थे, देखेंगे कि इस ओवर में कितने रन देते हैं। और ये ओवर कम से कम इंपॉर्टेंट ओवर है, इसमें कम से कम रन आने चाहिए दोस्तों, कम से कम मान लीजिए आप 16-17 रन आने चाहिए तभी यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में ऋषभ नगारा राउंड द विकेट से तैयार हैं गेंद लाने के लिए यहाँ पर डरबन फरारियो के लिए, तो यहाँ पर अगली बॉल लेने के लिए तैयार हैं। और लगातार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कोशिश यही करी जाएगी दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर तेज गति के साथ बल्लेबाजी करें क्योंकि बता दें कि 6 ओवर में यहाँ पर टारगेट तो अच्छा हो चुका है और यहाँ से रन चेस भी हो सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर अगेन 24 बॉलों में 53 रन की आवश्यकता है और उसी के साथ में ऋषभ नगारा आए हैं। ऋषभ नगारा ने पहली बॉल राउंड द विकेट से करी, डेविन फरारियो ने कट करने की कोशिश, बल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं और डॉट गेंद हो चुकी है भाई। देखो डेविन फरारियो आप डॉट गेंद ना करिए, अगर डॉट गेंद करेंगे तो आपके ऊपर और प्रेशर आएगा, आप सिंगल लीजिए मगर डॉट गेंद ना करिए क्योंकि डॉट गेंद दोस्तों आप रॉबिन उथप्पा के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा यहाँ पर दबाव में ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं जितना मैं रॉबिन उथप्पा को जानता हूँ। 22 बॉलों में यहाँ पर 54 पर खेल रहे हैं, उसको फ्रीडम चाहिए, भारतीय खिलाड़ी है तो मैं जानता हूँ रॉबिन उथप्पा किस तरह से खेलता है। और इसी के साथ में यहाँ पर कि अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामना करा जाएगा मगर रॉबिन उथप्पा को अगर अपनी टीम को जिताना है। कप्तानी भी दोस्तों यहाँ से रॉबिन उथप्पा कर रहे हैं, अगर रॉबिन उथप्पा को अपनी टीम जिताना है तो रॉबिन उथप्पा को दोस्तों तेज गति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोस्तों और अंत तक करनी पड़ेगी, अंत तक करेंगे दोस्तों तभी यह मैच बनेगा, वरना ये मैच दोस्तों निकलता जाएगा। इसी के साथ में दूसरी बॉल पर एक और रन देखने को मिला, इसी 1 रन के चलते टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 94 पर 22 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 52 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 14 यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर 14 का पहुंच चुका है, करंट रन रेट भी दोस्तों 14 का पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि दोस्तों मैच यहाँ से कौन सी टीम जीतती है। मेरे हिसाब से दोस्तों हरारे हेरिकेन्स इस मैच को जीतेगी मगर जो भाव दे रही है दोस्तों दो भाव यहाँ पर केप टाउन की टीम दोस्तों अभी भी भाव दे रही है और मुझे देखना होगा किस तरह से मैच को आगे लेके जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ से 22 बॉल में 52 रन की आवश्यकता है। रॉबिन उथप्पा 22 बॉल में 24 बॉल में रॉबिन उथप्पा 22 बॉल में 54 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी के साथ में रॉबिन उथप्पा इस ओवर की तीसरी बॉल लेकर खेलने के लिए तैयार है, ऋषभ नगारा पर राउंड द विकेट से तैयार हैं अगली बॉल लाने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर रॉबिन उथप्पा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला और आसानी से 2 रन लिए, 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 96 पर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से 21 बॉलों में दोस्तों 50 रन की आवश्यकता है और कम से कम इस ओवर में 2 छक्के आने चाहिए तब दोस्तों यहाँ पर रन रेट है
वो वहाँ पर काम आएगा, वरना दोस्तों रन रेट लगातार यहाँ से जो कि रिक्वायर्ड नेट है वो बढ़ता जाएगा। 14.5 का रिक्वायर्ड नेट है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई। फेरियर बार इनिंग खेल रहा है, हाँ बिल्कुल भाई ऐसा फेरियर दोस्तों बैड इनिंग खेल रहा है यहाँ पर लग रहा है भाई, यहाँ पर थोड़ी सी खराब इनिंग खेल रहा है, मगर यहाँ पर कह सकते हैं डेविन फेरियर भी दोस्तों बेहतरीन खिलाड़ी है। इसने एक बार 4 छक्के मारे थे भाई एक ओवर में, मगर देखना होगा किस तरह से करेंगे। और इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों राउंड द विकेट से। यहाँ पर रॉबिन उथप्पा ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा, गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, मगर पता नहीं दोस्तों कहाँ से ये फील्डर आया, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और आपको बता दें यहाँ पर 2 ओवर बेहतरीन रन, बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों 2 रन बचाए, और ये बता दें दोस्तों बहुत बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग देखते हुए। और इसी के साथ में यहाँ पर 20 बॉलों में यहाँ पर 48 रन की आवश्यकता है, बहुत बड़े तरीके से खेलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स का स्कोर पहुँच चुका है, यहाँ पर टीम हरारे हेरिकेन्स पहुँच चुकी है 98 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और फेरियर 12 बॉलों में दोस्तों 20 पर खेल रहा है। इसी के साथ में रॉबिन उथप्पा यहाँ पर 24 बॉलों में 58 पर खेलते हुए। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, यहाँ पर डेविन फेरियर, माफी चाहूंगा दोस्तों रिचर्ड नगारा, राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद, रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों उठा के गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दोस्तों 30 यार्ड में यहाँ पर तैनात रहेगा। मगर इस बार दोस्तों कौन रखेगा, इस बार तो कोई भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि वहां पे फील्डर ही नहीं है। और एक बेहतरीन चौका, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा दोस्तों यहाँ पर 102 पर 19 बॉलों में दोस्तों 44 रन की आवश्यकता है। और क्या बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर पारी खेलते हुए यहाँ पर रॉबिन उथप्पा कप्तानी पारी। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्ट्राइक रेट दोस्तों 248 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए एक साल में 19 बॉलों में 44 रन की आवश्यकता है, और लगातार दोस्तों बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा बड़ा शॉट खेलते हैं या फिर स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे। और आपको बता दें कि आखिरी बॉल पर यहाँ पर एक सिंगल दिया गया, इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 103 पर 1 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 103 रन है 1 विकेट के नुकसान पर 18 बॉलों में, यहाँ से 43 रन की आवश्यकता है। और जो करंट रन रेट चल रहा है दोस्तों वो 14.71 का चल रहा है, और रिक्वायर्ड रन रेट भी दोस्तों 14.33 का चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आप भाई कुछ यहाँ पर बोल रही है भाई हरारे विन करना चाहिए, हाँ भाई करेगा यार, भरोसा रखिए अपने भाई पे यार, हरारे ही विन करेगी 18 बॉलों में, तेरे यहाँ पर 43 रन चाहिए, यहाँ पर हरारे विन करेगी यार। मैं भाई आपको बताऊँ कि जो बहुत अगर मैं 10 मुकाबले में से अगर 7 मुकाबले मेरे पास होंगे तो भाई 3 मुकाबले मेरे फेल होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 7 मुकाबले पास होंगे भाई, तो यहाँ पर पहला मुकाबला पास हो चुका है, दूसरा ये देखेंगे कि पास होता है, मात्र 10 मैच की लिस्ट है मेरे पास। अब देखना अगर दोस्तों दो भी टीम बनेगी दोस्तों वो विन करेगी, और इसी के साथ में हरारे हेरिकेन्स यहाँ पर मैच बनेगी। और देखना होगा दोस्तों जो फिर यहाँ पर जो खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, वो देखा जाएगा कि दोस्तों अगर यहाँ पर किस्मत में होंगे दोस्तों तो मिलेंगे ज़रूर। इसी तरह में 18 बॉलों में यहाँ पर 43 रन की आवश्यकता है, रॉबिन उथप्पा 26 बॉलों में यहाँ से खेल रहे हैं 63 पर। और उसी के साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि डेविन फेरियर भी दोस्तों 12 बॉलों में यहाँ पर 22 पर खेलते हुए। और इसी के साथ में पिछले ओवर के यहाँ पर जो हीरो आ चुके हैं पीटर हेड्सगुलू, और पीटर हेड्सगुलू के यहाँ पर जो कि खेले जा रहे हैं यहाँ पर रॉबिन उथप्पा देखेंगे किस तरह से पीटर हेड्सगुलू के यहाँ पर बल्लेबाजी को यहाँ पर खेलेंगे। अगर इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद बल्लेबाज दोस्तों हमें सुमित पटेल देखने को मिलेंगे, इरफान पठान देखने को मिलेंगे, मोहम्मद नवी देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर बल्लेबाजी तो अच्छी तरीके से है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हरारे हेरिकेन्स में इरफान पठान है, यूसुफ पठान के भाई, छोटे भाई हैं यहाँ पर यूसुफ पठान के, यहाँ पर इरफान पठान। इसी के साथ में पीटर हेड्सगुलू तैयार है राउंड द विकेट से गेंद लाने के लिए रॉबिन उथप्पा के लिए, और रॉबिन उथप्पा देखेंगे कि पहली बॉल को किस तरह से खेलेंगे। पहली बॉल दोस्तों आसानी से, दोस्तों बता दें कि आसानी से यहाँ पर 2 रन आसानी से ले लिए गए, और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 105 पर 17 बॉलों में 43 रन की आवश्यकता है। और रॉबिन उथप्पा यहाँ पर बेहतरीन पारी खेलते हुए बेहतरीन पारी के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 65 पर 27 बॉलों में 65 पर 7। रॉबिन उथप्पा ने अभी तक यहाँ पर 7 चौके 4 छक्के लगाए हैं। इसी के साथ में दोस्तों दूसरी बॉल लेकर फिर तैयार है पीटर हेड्सगुलू, अपनी बॉल है दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 7 ओवर की समाप्ति पर 103 पर 1 विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ पर पहली बॉल पर दोस्तों 2 रन आसानी से प्राप्त हुए, फिर दूसरी बॉल पर यहाँ से 1 रन प्राप्त हुआ। स्कोर बोर्ड दोस्तों जरूर यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, यहाँ पर नेट कनेक्शन के कारण थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश के कारण यहाँ पर नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है और जिसके कारण ये स्कोर बोर्ड है वो थोड़ा सा लेट अपडेट होता है। मगर आपको बता देता हूँ कि दोस्तों 3 गेंदों में अभी तक 4 ही रन बने हैं, मतलब 15 बॉलों में दोस्तों 39 रन चाहिए। और देखा जाएगा कि यहाँ पर रॉबिन थप्पा किस तरह से खेलते हैं, 15 बॉलों में दोस्तों 39 रन चाहिए है। यहाँ पर रॉबिन थप्पा को दोस्तों बड़ा शॉट खेलने पड़ेंगे, अगर बड़े शॉट दोस्तों खेलते हैं तभी दोस्तों ये मैच बनेगा, वरना दोस्तों मैच ये निकलता हुआ दिख रहा है मेरी आंखों सामने। इसी के सामने रॉबिन थप्पा चौथी बॉल खेलने के लिए तैयार है पीटर हेड्सकोलू की, पीटर हेड्सकोलू चौथी बॉल पर एक और सिंगल, सिंगल सिंगल से ये कहानी बिगड़ती जा रही है भाई। 14 बॉलों में 38 रन, ये कहानी कहीं बिगड़ती हुई दिख रही है। और मेरे पास भी बारिश हुई है, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि लगातार यहाँ पर डॉट यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करी है। इसी ग्राम में डेविन फरारियो तैयार हैं पांचवी बॉल खेलने के लिए, इस बॉल पर दोस्तों बड़ा शॉट आना चाहिए। इसी ग्राम में डेविन फरारियो ने दोस्तों गेंद की क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन शॉट लगाया गया है, और इसी बेहतरीन शॉट के साथ यहाँ पर जो कि पांचवी बॉल पर यहाँ पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला है, और उसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 114 पर एक विकेट के नुकसान पर। और 13 बॉल में 32 रन की आवश्यकता है, 13 बॉल में दोस्तों 32 रन की आवश्यकता है। अब देखेंगे कि लास्ट यहाँ पर लास्ट बॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट बॉल पर दोस्तों छक्का चौका आ जाता है तो कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लास्ट ओवर में दोस्तों की आसानी हो जाएगी। डेविन फरारियो ने तीसरा छक्का लगाया है अपनी यहाँ पर पारी में, और इसी के साथ में टीम का स्कोर, इसी के साथ में आखिरी बॉल लेकर तैयार है पीटर हेड्सकोलू डेविन फरारियो के लिए। आखिरी बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा शॉट आना चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ भाई लोगों मैं आपको बता दूं कि आखिरी बॉल पर क्या बेहतरीन यहां पर छक्का देखने को मिला है, और इसी के साथ में लगातार डेविन फरारियो ने लगातार पीटर हेड्सकोलू के ऊपर 2 छक्के लगाए हैं, और जो छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 120 रन 12 बॉलों में दोस्तों, यहाँ से 12 बॉलों में 26 रन की आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 2 छक्के लगाए गए, और 2 छक्के के साथ क्या बेहतरीन 2 छक्के हमें देखने को मिले। और बता दें दोस्तों मैच यहाँ पर हरा रहे हेरिकेन्स धीरे धीरे अपनी पकड़ में लेती हुई, और 12 बॉलों में दोस्तों यहाँ तक 26 रन की आवश्यकता है। और देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर मैच कितनी देर में खत्म होते हुए दिखेगा। एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ से रॉबिन उथप्पा के पास, रॉबिन उथप्पा यहाँ पर बेहतरीन अपनी जो कप्तानी पारी है दोस्तों वो कप्तानी पारी को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ में 29 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 67 पर हो चुका है टीम का स्कोर। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो हरारे हेरिकेन्स 120 पर एक विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर 12 बॉलों में यहाँ से 26 रन की आवश्यकता है। और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से करेंगे वहाँ पर। अगर भाई लोगों अगर कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। पीटर हेड्सकोलू ने अपने दूसरे ओवर में यहाँ पर 17 रन दिए, और यहाँ पर जो कि फरारियो की अगर बात करें दोस्तों, फरारियो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है। और मोहम्मद जोएब भाई आपने कहा था यहाँ पर बैड इनिंग नहीं खेल रहा है, वो मैं जानता हूँ दोस्तों यहाँ पर डेविन फरारियो को वो किस कम मारता है और किस गेंदबाज के ऊपर मारता है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों तो यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर अगला ओवर लेकर आते हुए टॉम करन ने दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर में 14 रन दिए थे, उसके बाद यहाँ पर अगली बॉल लेकर आए राउंड द विकेट से दोस्तों पटकी हुई गेंद, और इसी के साथ में दिशाहीन गेंदबाजी, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ, इसी एक और अतिरिक्त रन के साथ यहाँ से मात्र 25 रन की आवश्यकता है, 25 रन की आवश्यकता है। टॉम करन अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हैं, और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे रॉबिन उथप्पा। और इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बता दूं आप लोगों की कि 12 बॉलों में 25 रन चाहिए है। और इसी के साथ में यहाँ पर लगातार दो वाइटें आती हुई, और वाइट के साथ 12 बॉलों में दोस्तों 24 रन की आवश्यकता है। इसी के साथ में पहली बॉल लेकर तैयार है टॉम करन रॉबिन थप्पा के लिए, और देखिए कि पहले 2 वाइटें, और इसी के साथ में 2 वाइटों के साथ दोस्तों पहली बॉल को करा गया है छक्के के लिए, और इसी के साथ में क्या बेहतरीन छक्का लगाया गया है रॉबिन थप्पा ने 5वां छक्का लगाते हुए टॉम करन के ऊपर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर 11 बॉलों में 18 रन की आवश्यकता है, और क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए रॉबिन उथप्पा अपनी टीम के लिए। तो भारतीय खिलाड़ी
ने यहाँ पर धूम मचा के रखी है दोस्तों। पहले मैच में हमें देखने को मिले यहाँ पर यूसुफ पठान, और इस मैच में दोस्तों देखने को मिले हैं रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने पहली बॉल को क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा और जड़ दिया बेहतरीन छक्का, और इसी छक्के के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा 128-18 रन की आवश्यकता है। दूसरी बॉल लेकर तैयार है, दूसरी बॉल पर आसानी से एक सिंगल देखने को मिला और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 129 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की यहाँ से 10 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है। हरारे हरिकेन्स के डेविन फेरारियो के पास स्ट्राइक है। अगर कोई भी सवाल दोस्तों आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं भाई लोगों। और यहाँ पर जो है भाई आपका कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं जो है भाई, आप हमसे पूछ लीजिए अगर आपको कोई भी सवाल हो। और इसी के साथ में टॉम करन तीसरी बॉल लेकर फिर तैयार है। डेविन फेरारियो के पास स्ट्राइक आ चुकी है। अब देखेंगे डेविन फेरारियो ने तीसरी बॉल पर एक और सिंगल देखने को मिला और उसी सिंगल के साथ यहाँ पर होती हुई टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ से 130 रन 9 बोलों में 16 रन की आवश्यकता है। 30 बोलों में यहाँ से 16 रन की आवश्यकता है, मगर देखा जाएगा दोस्तों कि ये मैच यहाँ पर कितनी जल्दी पहले यहाँ पर गेंद गया ये। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच आखिरी गेंद तक नहीं जाना चाहिए, आखिरी गेंद तक ये मैच नहीं जाना चाहिए भाई। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ से आपको बता दें कि चौथी बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर टॉम करन ने दोस्तों गेंद को पटकाया यहाँ पर। रॉबिन उथप्पा ने गेंद को कट करा, गेंद जा रही है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट फ्लाली के पास, और मिस फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर चौका आता हुआ, चौका यहाँ पर आएगा दोस्तों मिस फील्डिंग के चक्कर में। इसी के साथ में आठ बॉलों में दोस्तों बता दें कि यहाँ से 12 रन की आवश्यकता है। और क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता दूं 12 रन की आवश्यकता है सिर्फ 8 बॉल में। और देखिए कि लास्ट के 2 बॉलों में यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो रॉबिन उथप्पा लास्ट के 2 बॉलों में कितना रन और बनाते हैं। टॉम करन तैयार हैं अगली बॉल लाने के लिए। मिस फील्डिंग हुई है, टॉम करन नाखुश हैं, ये टॉम करन का दाव सब कुछ लगा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ फिर यहाँ पर जो कि फील्डर भी इंजर्ड हुए हैं, फील्डर ने यहाँ पर कोशिश तो अच्छी करी गई थी मगर यहाँ पर रोक नहीं पाए, और रोकना चाहिए था जिस स्तर पर आप इंटरनेशनल पर खेल रहे हैं और आप यहाँ पर इस तरह से गेंद को छोड़ेंगे, अपने टांगों के नीचे से गेंद को छेड़ेंगे तो यहाँ पर जो कि तकलीफ तो होती है वहाँ पर गेंदबाज को, बिल्कुल रोकना चाहिए था। वहाँ पर 1 रन होना चाहिए तो आपने वहाँ पर 3 रन एक्स्ट्रा के दे दिए, मगर अपने को क्या निकालना है, अपने को जेस से मतलब है हर हरिकेन्स की। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आपका कोई भी सवाल हो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं, और आपका भाई अभी दोस्तों आपको साथ जवाब है वो दिया जाएगा। और इसी साल में फिल्टर इंजर्ड है, उसका ट्रीटमेंट चलता हुआ। और यहाँ पर जो है भाई आप क्या हो, आप चुप बैठे हैं, आप चुप क्यों बैठे हैं, आप लोग कमेंट करिए आपका क्या सवाल है दोस्तों, आप कमेंट करिए आप लोग जो भी आपका सवाल है। और इसी के साथ में बता दें कि यहाँ पर 8 बॉलों में 12 रन की आवश्यकता है, और लगातार दोस्तों हमें तेज गति की गेंदबाजी करते हुए टॉम करन ने यहाँ पर जो कि टॉम करन 5वीं बॉल लेकर तैयार है रॉबिन उथप्पा, मगर उससे पहले यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, फील्डिंग को सही तरीके से करा गया। इसी के साथ में चौथी बॉल इस अपने इस ओवर की, रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों गेंद को उठा के खेला है, गेंद जा रही है दोस्तों स्क्वाड लेग के ऊपर से, और आपको बता दें एक बेहतरीन छक्का, एक और छक्का हमें देखने को मिलेगा यहाँ से, एक और छक्का, क्या बेहतरीन छक्का पारी खेलते हुए रॉबिन उथप्पा। 33 बॉलों में 83 रन की पारी। और इसी के साथ में दोस्तों कैच भी छोड़ा गया है और मैच भी छोड़ा गया है। आपको गेंद को दोस्तों उठा के गेंद को खेला और यहाँ पर कैच होना चाहिए था मगर यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ, इसी जीवन दान के चक्कर में दोस्तों एक और छह हमें देखने को मिला है। अब आखिरी बॉल लेकर तैयार है रॉबिन उथप्पा, आखिरी बॉल को देखेंगे किस तरह से खेलते हैं। आखिरी बॉल के साथ बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है 140 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और आपको बता दें कि इसी मैच ऐसा लगता है कि इस ओवर में मैच को खत्म कर दिया जाएगा। और बता दें इसी साथ में दोस्तों आखिरी बॉल लेकर बढ़ते हुए टॉम करन एक दिशाहीन गेंद के साथ दोस्तों वाइट बॉल आती हुई, अब मात्र 7 बॉल में यहां से 5 रन की आवश्यकता है। और यहां पर रॉबिन उथप्पा के पास दोस्तों स्ट्राइक है, और देखेंगे कि रॉबिन उथप्पा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, रॉबिन उथप्पा क्या इसी ओवर में खत्म करते हैं या फिर देखेंगे कि अगले ओवर में ले जाते हैं गेम को। इसी के साथ में आखिरी बॉल लेकर तैयार है रॉबिन उथप्पा ने आखिरी बॉल को दोस्तों इसी बल्ले के साथ खेला, अब यहाँ से 6 बॉलों में 4 रन की आवश्यकता है और टीम का स्कोर पहुंच चुका है दोस्तों 142 पर 4 विकेट के नुकसान पर। 6 बॉलों में 4 रन की आवश्यकता है, मैच देखेंगे दोस्तों आखिरी बॉल तक जाता है, और फिर दोस्तों देखेंगे कि कितने बॉल पहले यहां पर मैच खत्म हो जाएगा। और ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीमों के लिए,
और दोनों टीमों के अगर हरारे हैरिकेन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हरारे हैरिकेन्स के जो कप्तान है वो कप्तान है दोस्तों यहाँ से रॉबिन उथप्पा। और दोस्तों वहीं अगर कैपटाउन्स की अगर मैं बात करता हूँ कैपटाउन्स इसने आर्मी के कप्तान है पार्थिव पटेल, वो भी दोस्तों भारतीय हैं आपको बता दूँ भाई। और 6 साल में दोस्तों 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 142 रन। यहाँ से दोस्तों सुल्तान भाई ने लिखा है, यहाँ पर यूट्यूब से सुल्तान भाई ने लिखा है घोड़ा उड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर पहले मैच में भी दोस्तों घोड़ा उड़ा था और दूसरे मैच में भी यहाँ पर घोड़ा उड़ेगा, उड़ चुका है भाई, ऐसा लग रहा है कि उड़ चुका है घोड़ा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो कि वीडियो को दोस्तों लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत बढ़िया। सुल्तान भाई घोड़ा उड़ चुका है दोस्तों बिल्कुल। यहाँ पर 5 पैसे पर टीम पड़ी थी जब मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों यहाँ पर एग्जिट ले दिएगा, यहाँ पर जो कि दोस्तों प्रॉफिट खरीदा और टीम को खाते चलिएगा थोड़े थोड़े डिवाइड में। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है, इसी के में पहली यहाँ पर 10वें ओवर की शुरुआत होती हुई और पहली बॉल को दोस्तों उठा के खेला है रॉबिन उथप्पा ने, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में और आसानी से 2 रन मिलेंगे। इसी 2 रन के साथ 144 पर पहुंच चुका है, 144 पर दोस्तों टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर मात्र दो गेंदों में दोस्तों यहाँ पर 5 बॉलों में दोस्तों 2 रन चाहिए। हरारे हैरिकेन्स दोस्तों सेंट्रल क्वार्टरल आखिरी ओवर लेकर चलते हुए अपना, और सेंट्रल क्वार्टरल के पहले ओवर में हमें देखने को मिले थे 11 रन, उसके बाद सिलसिला बढ़ता हुआ और रॉबिन उथप्पा ने गेंद को उठा के मारा था मगर सही तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हो पाई थी। मात्र 2 रन चाहिए 5 बॉलों में सेंट्रल क्वार्टरल। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 144 पर 1 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर 87 पर पहुँच चुके हैं अगर मैं आपको बता दूँ। मात्र 2 रन चाहिए, इसी के साथ यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है सेंट्रल क्वार्टरल, सामना करा जाएगा रॉबिन उथप्पा के द्वारा और रॉबिन उथप्पा ने यहाँ पर हल्के हाथों से खेलते हुए दोस्तों यहाँ पर 1 रन और आसानी से ले लिया गया। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 1 रन तो लिया गया है मगर मिसफील्डिंग के साथ 2 रन को भी पूरा कर दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हरारे हैरिकेन्स इस मैच को जीत जाएगी दोस्तों 9 विकेटों के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद। और घोड़ा उड़ चुका है, घोड़ा उठा है क्या बेहतरीन तरीके से। और इसी के साथ में दोस्तों आपको स्कोर का अगर मैं बता दूं कि यहाँ से हरारे हैरिकेन्स 4 गेंदे रहते और 9 विकेटों से इस मैच को जीत जाएगी। और इसी के साथ में आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपको लोगों ने को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेली है हरारे हैरिकेन्स, मैच जीत चुकी है 9 विकेटों से। आप दोस्तों आप लोगों के आपका अपने शेयर प्रॉफिट दोस्तों टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मैच बढ़ता है आगे और आपको दोस्तों देखेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद है। एक समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो कि कैपटाउन की दोस्तों यहाँ पर जो कि बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी तगड़ी है मगर यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों रॉबिन उथप्पा ने बल्लेबाजी करके दिखाई। और इसी के साथ में यहाँ पर 146 पर दोस्तों टीम का यहाँ पर जो कि चेस कर लिया है 4 गेंद पहले ही रहते और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करके दिखाई है रॉबिन उथप्पा ने। 9 लॉस कट 9 बुक सेट ओनली विन यहाँ पर हरारे हैरिकेन्स। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल को फॉलो नहीं करा दोस्तों चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा, अगर यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ लाइव आने का। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मैच में कल के दिन दोस्तों, कल जो फाइनल होगा वो हम आपके साथ करेंगे लाइव। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, लव यू। और थोड़ी देर में दोस्तों जो स्ट्रीम है उसको हम बंद कर देंगे, तब तक दोस्तों ख्याल रखिएगा अपने। हरारे हैरिकेन्स जीती है 9 विकेटों से। मैंने भाई नहीं लगाया था, मेरे पास रुपए नहीं थे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हरारे हैरिकेन्स जीत चुके हैं 9 विकेटों के साथ। और कैपटाउन्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कैपटाउन्स स्नैप आर्मी की अगर मैं बात करता हूँ तो कैपटाउन के स्नैप आर्मी ने एक अच्छा टोटल बनाया था और कह सकते थे कि दोस्तों कि यहाँ से कि कैपटाउन की जो गेंदबाजी रही है दोस्तों वो उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी अच्छी मैं समझ सकता था।
और यहाँ पर अपने आप से दोस्तों बहुत निराश होगी। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इस मैच के लिए आज के स्ट्रीम में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा और जुड़ेंगे दोस्तों आपके साथ लाइव कल 6:30 यहाँ पर फाइनल में।